सर सर बोलो सर, आपने पैंट नहीं पहनी है। तू अपनी दे उतार, मैं पहनता हूँ। सारी दुनिया मेरी शक्ल देखने के लिए टीवी खोलती है, चड्डी देखने के लिए नहीं। ताजमहल देखना है तो लगा दे कैमरा नीचे टेबल के, फिर पूरी दुनिया को दिखाते रहना। मेरा स्टार्डम यहाँ नहीं, यहाँ है। पान चबाना आता नहीं, थूकना शुरू कर दिया। इज्जत से बात करने का कोर्स कर क्या पहले। निरंजन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे साबू पेपर देके जा, चाचा चौधरी नहीं हो जो याद रहेगा। सॉरी सर। पहली न्यूज लेता हूँ। हारने के बाद भारत में निराशा डांस, रियलिटी के विजेता हुए युवा तपन कुमार। अबे ये क्या 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 ये? हारने के बाद भारतीय टीम में निराशा फुल स्टॉप। डांस रियलिटी के विजेता हुए युवा तपन कुमार फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप और कॉमा लगाना नहीं आता है, पंक्चुएशन का क्रिमेशन हो गया है। भारतीय टीम ने ना हारने के बाद जिस दिन निराशा डांस शुरू किया, हमारी रियलिटी नहीं बचेगी। हिंदुस्तान के लोगों को कॉमा फुल स्टॉप पता होता तो इतना पॉपुलेशन नहीं होता। वैसे आजकल लोग उल्टी न्यूज को भी सीधी मान लेते हैं। अगला न्यूज पढ़ता हूं। कहा ना चाचा चौधरी नहीं हो, टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ। सुपर वेल्थ गेम में बढ़ रेला भारत, अब 15वां मेडल मांग रेला है। अबे ये मांग रेला खा रेला जा रेला क्या है बे? वैसे ही टीआरपी नहीं आती, तुम्हारे चक्कर में माइनस में चला जाऊंगा। ऊपर भी चड्डी पहनवा दो तुम लोग। गधों को भर्ती कर लिया है, खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं, मुझे भी फुटपाथ पे ले आएंगे। सर सर ब्रेकिंग न्यूज है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को हार्ट अटैक आ गया। टपक गए क्या? नहीं सर। तो ठीक है, तू जा। टीआरपी के सारे भूखे भिखारी हॉस्पिटल के सामने कटोरा लेकर जमे हुए होंगे। मैं तो न्यूज पढ़ लूं, टेक कीजिए। रोलिंग सर। इस राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली के अपने पार्टी के दफ्तर में हार्ट अटैक आने से गिर पड़े। हार्ट अटैक आने से ठीक आधा घंटा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारत में आम आदमी का एक दिन का गुजारा मात्र 38 रुपए में हो सकता है, और प्लानिंग कमीशन ने उनके इस बात का समर्थन किया। इससे नाराज उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर में हंगामा कर दिया, और डॉक्टरों का कहना है इस प्रेशर की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिस्टर। हाँ ये लाओ। थैंक यू। आपके लिए टीवी लगा दूं? मैं देखूं भी तो क्या, हर जगह मेरी ही बुराइयां हो रही होंगी, वो देख के तकलीफ होगी। रहने दो बेटा तुम। ठीक है सर। सुनो बेटा, बाहर मेरा पीए बैठा है, उससे कहो कि मैंने बुलाया है। ओके सर। सर। बाहर का माहौल क्या है चक्रवर्ती? सर बाहर तो लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। जैसे ही आपके हार्ट अटैक का पता चला, आपकी वो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहां गई पता नहीं चला। आपके लिए बहुत सिंपति बन गई है सर, आपके कार्यकर्ता आपकी सेहत की दुआ मांग रहे हैं। न्यूज चैनल जो आपके बारे में न्यूज दे रहे हैं उनकी टीआरपी बढ़ गई है सर। अरे अरे, सोशल मीडिया पर सिर्फ आपके ही ट्वीट्स हैं सर। ये बिल्कुल सही वक्त है मेरे बेटे को पॉलिटिक्स में लाने का। What happened? Wait. What? खिचड़ी कड़ी पापड़ मिलता है। यो बाशा। बाद में फोन करता हूँ। Let's roll. Hey, जेसिका कहाँ है? We broke up. किस्सा खत्म? Why? I don't feel it, bro. वो वाली फील नहीं आ रही थी। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए जो वो वाली फील देगी यार? ब्रो ये तो मैं नहीं जानता, बट आई वांट मैजिक। प्यार में जादू होना चाहिए जो जेसिका में नहीं था, इसलिए आई ब्रोक अप। पप्पी में मैजिक नहीं मिला। उसके पप्पी करने पर कबूतर नहीं निकला, इसलिए मैजिक नहीं था। यही है अमेरिकन चोचले। या यार राइट, ठीक है, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर कार्तिक। अच्छा मैंने तुम्हें वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की फाइल्स तैयार करने के लिए कहा था, रेडी हैं? हो गई है, ऑलमोस्ट 90% डन। मैं सिर्फ दो ही नंबर्स को मानता हूँ, 0 और 100। जी। काम पूरा हो गया तो 100, नहीं हुआ तो 0। यस तो सर। मुझे बीच का नंबर मत बताओ, समझे? काम खत्म करके लाओ, 2 घंटे में फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ओके श्योर सर। यहाँ पर बनेगा हाईवे, यह एक 5-स्टार रिजॉर्ट, और यहाँ एक गोल्फ कोर्स होगा। आई लाइक्ड इट, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी भैया के बिल हैं सर। 1 महीने में $20,000? क्या वो पैसे की कीमत भूल चुका है मूर्ति? 25 साल पहले मैं यहां एक सपना लेकर आया था कि मैं कुछ करूंगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसा बचाकर यहां तक पहुंचा हूं।
और वो सब बर्बाद कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर, अगर हर महीने इतना ही बिल आता रहा ना, तो आपको बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया ना जाना पड़े। फोन लगाओ, जरा पूछो कहाँ है वो। Hey mom, good morning. What's in breakfast? Mom, I'm talking to you. What's this? घर में सिर्फ हिंदी में बात करो। मैं इंग्लिश बोलूं या हिंदी, जो कह रहा हूँ वो समझ तो रही है ना? बाहर तुम भले इंग्लिश बोलो, लेकिन घर में मेरे साथ तुम्हें हिंदी में बात करनी होगी। पूज्य माता श्री, बहुत भूख लगी है, कृपया भोजन दीजिए। yeah? That's good. देखा कितना अच्छा बोल लेते हो तुम। अपने कजिन बाशा से हिंदी क्यों नहीं सीखते? बाशा और हिंदी? Whatever. और क्या, तुम उसकी हिंदी की तारीफ कर रही हो? जो अपना नाम शनमुगम ठीक से नहीं बोल पाता इसलिए खुद को बाशा बुलाता है, वो इसे हिंदी सिखाएगा? हिंदी तो आती नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश झाड़ता रहता है। नाश्ता करने से पहले ये पी लो। What's this? रात को दारू पी थी ना, तो उससे लिवर सड़ गया होगा, उस पर ये मलहम का काम करेगा। Okay. एक काम क्यों नहीं करती, हा? हल्दी दूध में एक पेग मिला दो, तुम्हें बेस्ट मदर का अवार्ड मिलेगा। क्या भी, ये इस उम्र में पार्टी नहीं करेगा तो कब करेगा? जैसे ही जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप समझ जाएगा। बच्चों के साथ उनका दोस्त बनकर रहो, हिटलर वाला जमाना गया। अच्छा, क्यों बेटा, तेरा उस फिरंगी लड़की से ब्रेकअप हो गया क्या? What? किसने बताया? तुम्हारे एजेंट बाशा ने ना? जिसने भी बताया हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मुझे इसी में खुशी है। मॉम, आई ब्रोक अप। मेरे ब्रेकअप से आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? मैं खुश क्यों ना हूँ? मैंने कहा था ना कि फिरंगी लड़कियाँ तुम्हारे टाइप की नहीं है। चिंता मत कर, अब तो देखता जा, मैं तेरे लिए इंडिया से एक सुंदर घरेलू लड़की खुद लेकर आऊंगी। मॉम, आपके पास ये हिंदी, इंडियन लड़की कल्चर, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? मेरे पास है, सुनोगे? तुम्हारे अनाप शनाप खर्चों के बारे में। $20,000 जो इंडियन रुपीज में लगभग 15 लाख रुपए होते हैं, इतने में 14 लोगों का परिवार 5 साल तक खा पी सकता है। पर ये तुम्हारा एक महीने का खर्च है, जानते हो कितनी मेहनत लगती पैसा कमाने में? तुम्हें इस तरह डांट कर मुझे खुशी नहीं मिल रही बेटा, पर तुम्हें जिंदगी और पैसे की कीमत समझनी चाहिए अभी। सिर्फ मेरी जायदाद नहीं, कैरेक्टर भी शेयर करो। आगे यही बोलने वाले थे, खर्चा किया तो क्या हुआ डैड? आपके डैड एक छोटे से क्लर्क थे, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ी, पैसे कमाने पड़े। बट मी, माय डैड इज अ बिलियनेयर। डैड, आप इतना पैसा कमाते क्यों हैं? ताकि मैं जी सकूं हैप्पी कंफर्टेबल एंड लेविश लाइफ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डैड, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हैं। जैसे मैं जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं, वैसे आप कभी भी नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई यू आर जस्ट जेलस। अपने बेटे के लिए खुश होइए डैड। और सबसे जरूरी बात, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू डैड। अभी तुम कुछ दिनों में मेलबर्न जाने वाले हो, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। एग्जैक्टली, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे यही कह रहे थे। ओके, बाय डैड। हे अभी। हे ब्रो, व्हाट्स अप मैन? या संभल कर रहना। जब बादशाह अभी के साथ तो डरने की क्या बात, कैसे बोला मैं? बुद्धू, तुमसे ही संभल कर रहने के लिए कहा है, समझो। मेरी इज्जत का करेले का सब्जी बना दिया। हेलो, हे अभी, जेसिका का जादू नहीं चला, अब इसका क्या चलाएगा? ब्रो, तेरा दिल पहले से पेट्रोल पंप है, ये लड़की उसमें घासलेट छिड़क के आग लगा रही है। ओ ब्रो, आग बुझाने के लिए सीढ़ी बम्बा मंगवाना पड़ेगा। हेलो, ही इज डांसिंग विद जेनी। Hey you! Oh, Lucho! Hey dude, back off! Oh no! Oh, oh my god! Oh.
पुलिस साहब? ओह नो। सर यहाँ। फिर मिलेंगे। मुझे यूएस आए 25 साल हो गए पर कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से जाना पड़ा। How dare you touch my girlfriend? I'm not hurt you. Gayatri. Come on, you coward. Come out. Fire him now. Come on. Hey, Abhi. Peace out. Leave me. I'm going to kill him. I'm going to kill him. Hurry up. Come on. Let's go. Drive fast. सुनिए, तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे, तुम पर किसी का बुरा असर न पड़े। जब ये कद्दू कटेगा सब में कैसे बढ़ेगा? मैं काटूंगा। ले और इसे फेंक दे, अब जाओ। भैया, आपको सर ने शाम को मिलने के लिए बुलाया है। तुमने कान भरे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर। Get out. Hey dad, आपने मुझे बुलाया था? हाँ अभी कुछ जरूरी बात करनी है। अभी अब तुम बड़े हो गए हो, हम 24 घंटे अब तुम्हारी चिंता में नहीं बैठे रह सकते। कल रात जो हुआ वो फिर हो सकता है। बजाज, गलती उनकी थी। मैं तुम वैसे भी अगले महीने मेलबर्न यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो यहाँ एक महीना खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है। तुम और बादशाह एक महीने के लिए इंडिया चले जाओ, वहां खूब ऐश करो, मजे करो और वहीं से सीधा मेलबर्न निकल जाना। तब तक ये मैटर ठंडा पड़ जाएगा। पर डैड, इंडिया ही क्यों? इंडिया में रखा ही क्या है पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा? बैड आइडिया डैड, बैड आइडिया। शट अप अभी, मत भूलो कि तुम्हारे मॉम डैड भी इंडिया से हैं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं डैड को क्या हो गया, जिद कर रहे हैं कि इंडिया जाओ। हू गो देयर? जिसको बर्गर्स और पैटीज खाने की आदत है वो वड़ा पाव और भजिया कैसे खाएगा? कभी नहीं। Never, bro. मैं तो खा लूंगा। उनको जाना तो वो खुद चले जाएं। Thank you, bro. एक बार तू। No. क्या हुआ? इसमें तो मेयोनेज़ है। मैंने तुझसे बोला था ना उसको शेजवान डालने को बोल, क्या किया तूने? मैंने बोला था शेजवान के साथ घी डालने। अब तू क्या कर रहा है? ए, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे है ब्रो? अरे डस्टबिन बहुत दूर है, तेरा उसमें नहीं जाएगा। लगी 50 की? 500 की लगी? 1000 की लगी। ओके डाल। ओ, बाल्टी में बॉल गया, मैं हार गया। चिल्लर है वो भी ले ले। ये ले। जैसे हर इंसान में जन्म से टैलेंट होता है वैसे ही हर कंट्री की एक खासियत होती है। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा। लंदन की पगार, अमेरिका का घर, इटली का पास्ता और इंडियन ब्यूटी, ये मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये कौन बोला? धनीराम बोला। ये है कौन? कोई भी बोला तुझे उससे क्या? तू भावना समझ, उसमें बह मत। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ अमेरिका में क्या होता है, या तो हद से ज्यादा ठंडी होती है या गर्मी होती है, दो ही मौसम है। इंडिया की बात अलग है, पतझड़ मौसम, बसंत बहार, चौथा मौसम प्यार का। प्यार का मौसम कैसे खिलता है दिखाता हूँ। hey, ये तो फिल्म एक्ट्रेस काजल है। सब काजल की बहन ही है, सिस्टर। ये हर लड़की इतनी क्यूट होगी? क्यूट ना हुई तो डबल पैसे वापस, ट्रस्ट में। ठीक है, अगर मैं झूठ बोला तो गंजा हो जाऊंगा। ठीक है, तू गंजा। हट। पक्का? पक्का। ओके, लेट्स गो टू इंडिया। मैं तो आपके हार्ट अटैक की न्यूज़ सुनके घबरा गया था, पर आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आपने भार्गव सर को सही टाइम पे पॉलिटिक्स में उतारा है। भार्गव भैया जिंदाबाद, 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 भार्गव भैया जिंदाबाद। आप अभी उस बात पर कायम है कि 38 रुपए में एक आदमी अपने दिन का खर्चा निकाल सकता है? डैड ने कहा था कि अगर कोई चाहे तो एडजस्ट करके 38 रुपए में जी सकता है। ये इन्होंने आम आदमी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा। जो बात इन्होंने एग्जांपल के तौर पर कही उस बात से आप लोग अपनी टीआरपी मत बढ़ाइए।
जनता जानती है कि पिछले 30 सालों में मेरे डैड ने उनके लिए क्या क्या किया है। विपक्ष का कहना है कि आप विदेश में रहकर बिजनेस करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को क्या समझेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं सिर्फ उस जनता की सेवा करने आया हूँ जिसने हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्ते सर। अरे आओ आओ भाई नागेंद्र, तुम तो आजकल टीवी पर और अखबारों में ज्यादा दिखते हो, मेरी याद कैसे आ गई। नमस्ते सर। सिर्फ प्लानिंग कमीशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री का इशू भी नेताजी नगर में लोगों के बीच विरोध का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। बताओ हम उसका क्या करें। पिछले इलेक्शन में हमने 30 करोड़ पार्टी फंड दिया था, इस बार 50 करोड़ मांग रहे हैं। पार्टी फंड देने में हमें एतराज नहीं है, मगर हमारी फैक्ट्रीज को चलने दो। बचपन में देखा था इसे, अब तक ये बड़ा नहीं हुआ। ये मेरा दुबई में पावर प्रोजेक्ट देख रहा है, अब मेरी उम्र हो चली है, चाहता हूँ ये राजनीति में आ जाए। हम लोगों ने राजनीति में जो मुसीबतें झेली हैं, तुम क्या चाहते हो बच्चे भी झेलें? मगर राजनीति तो मेरे खून में ही है। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, अब देखते जाइए, इस बार का इलेक्शन रिकॉर्ड मेजोरिटी से जीतूंगा। अरे वाह, अभी तो टिकट दिया नहीं और तुम रिकॉर्ड और बहुमत की बात कर रहे हो। ऐसा लगता है ये तो सीधा मंत्री ही बनना चाहता है। बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर, मेरी भी यही इच्छा है कि मंत्री बने। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इतने सालों से मैं संभालता आ रहा हूँ, अगर मेरा बेटा संभाले तो कैसा रहेगा सर। फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाँ, मिनिस्ट्री देना टिकट देना जितना आसान नहीं होता। पहले ही बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। सर आप तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं, अगर आप कुछ कर सकें तो। ठीक है, पहले अपने बेटे को बोलो लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान बनाए। हाँ हो जाएगा सर, एक्सपीरियंस नहीं है वो चलेगा, लेकिन लोगों के बीच अगर पहचान होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कहा है वो करो। जी सर हो जाएगा, चलता हूँ। नमस्ते सर। सुनो भार्गव बेटा, एक मिनट यहाँ आओ। पॉपुलरिटी जो है ना बेटा, वो तुम्हें अपने चमचों को अगल बगल लेकर घूमने से नहीं मिलने वाली। ऐसे चमकीले कपड़े और शानदार घड़ियां पहनकर पब्लिक में जाकर कहोगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। तुम्हें आम आदमी की तरह जनता के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तभी उनका भरोसा जीत पाओगे, समझे। ब्रो बैठ बैठ के कमर अकड़ गई मेरी। मेरी तो टूट ही गई। अचानक डिंगडोंग आवाज आई। पहला सैंपल ऐसा है तो बाकी कैसी होंगी, है ना। चलो हमला करते हैं। नमस्ते सर। ड्राइवर सामान लेगा। सॉरी सर लेट हो गया। किधर गया? शक्ल से हम लोग पायरेटेड एनआरआई लगते हैं क्या? तुम दोनों ही अभी और बादशाह हो। Yes? मेरे पीछे आइए। हेलो। एटीट्यूड देख रहा है कि डरा रहा है? What, huh? What's this? डॉलर। हमारा $1 इधर का 70 रुपीज, मतलब हम 70 गुना ज्यादा मजा लूट सकते हैं। Yes! अरे तू 4 बंगड़ी ले आया? हेलो ब्रदर, 4 नहीं 1। What the hell? मैं इस खटारे में जाऊंगा, ये मूर्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी इसको कॉल करके बताता हूँ। नहीं ब्रो 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 ब्रो, वैसे भी कमर टूट गई है, इसमें थोड़ा मसाज हो जाएगा, कम ऑन। ए डूड, गाड़ी चलेगी कि धक्का मारना पड़ेगा? ओ यो 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 ब्रो, वाओ नाइस रोड्स। इंडिया कितना बदल गया है, पहले मैला था अभी और गंदा हो गया, पता नहीं कब सुधरेगा। वाओ ब्लू कलर, आई लव यू। नाक तो डली। नाइस अपार्टमेंट ब्रो। देखने में अच्छा है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। तो फिर तुमने कार यहाँ पर क्यों रोकी? गाड़ी में पेट्रोल यहीं तक के लिए भरा था, तो अब हमें पद यात्रा करनी होगी, चलो। What? केमिकल
बाद में नहाऊंगा, नहा के हो गया, चलो मेरा जूता बिगड़ गया। ये पैनकेक रास्ते में क्यों? ऐसे गंदा थोपड़ा बनाकर नाक बंद मत करो, बेहोश हो गए तो यही गोबर सुंघाना पड़ेगा। अब जल्दी चलो यहाँ से वरना तुम पर कोई टट्टी ना कर दे। ओ, लगता है हम चिड़िया घर में आ गए। वो टॉप फ्लोर पे तुम्हारा कमरा है। What? ये क्या है डूड? डैड मुझे ऐसी जगह पे कैसे रुका सकते हैं? मैं अभी डैड को कॉल करता हूँ। अभी कॉल करता हूँ। स्पीड डायल, स्पीड डायल। डैड, पिक अप, पिक अप। डैड फोन नहीं उठा रहे। हे, मूर्ति को फोन करके उसको गाली दे। हाँ, एकदम शुद्ध हिंदी में गाली। हाँ सर, कहिए। सर क्या भाड़ में? ये कैसा भद्दा मजाक है मूर्ति? ये कहाँ भेज दिया हमें? तुम्हें लगता है हम झोपड़े में रहेंगे? मैं तुम्हें टुडे के टुडे नौकरी से निकलवा के रहूंगा। सर 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 सर, मुझसे गलती से मिस्टेक हो। तो मिस्टेक को सही करो। अभी करता हूँ सर। ठीक है सर, रखता हूँ फोन। No, this is not done. हम यहाँ नहीं रहेंगे। रहना नहीं रहना, तुम्हारी मर्जी है। लो बंगले की चाबी। ऐश करो। ये तुम्हें चाबी चिपका गया? किस्मत पे ताला लगा के। ब्रो, 5-star होटल। ओके गूगल, हैदराबाद में सबसे अच्छा होटल कौन सा है? हाय सर। हे, तुम्हारा नाम क्या है? रत्नमाला सर। रतन जैसी अनमोल और फूलों की माला की तरह रतन लड़का। थैंक यू सर। हे सर मत कहो, मुझे अपना ही समझो। ओके सर। तुम रहती कहाँ हो? लकड़ी का पूल सर। लड़की का क्या? लड़की का नहीं सर, लड़की का स्विमिंग पूल नहीं, लकड़ी का फूल। अब आप समझ गए मिस्टर फूल? रत्नमाला, आप डे घर जाओ, आई विल हैंडल। एक्सक्यूज मी, अब बोलो। हमें कमरा चाहिए। ये कोई छपरी होटल नहीं जहाँ आपको कोई कमरा खाली मिलेगा। इस होटल को 5 तारे लगे हैं। यू नीड टू बुक इन एडवांस। गाँव से आयो ना, इसलिए पता नहीं होगा। हेलो, यू नो हम लोग कौन है? हम चिंच पोकली से थोड़ी है। कोई प्रॉब्लम है सर? हम लोग अमेरिका से टूर पर आए। okay. हमें एक स्वीट रूम चाहिए और ये आदमी हमसे बदतमीजी से बातें कर रहा है। कमलाकर, तुमने इन्हें स्वीट रूम क्यों नहीं दिया? मुझे लगा ये सस्ता वाला कमरा लेंगे। तुम्हें क्या लगा इससे कोई मतलब नहीं है? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, आपका रूम बुक हो चुका है। आप कितने दिनों के लिए रहेंगे? हम 1 महीना रुकेंगे, अगर सर्विस अच्छी मिली तो। हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप लोगों के पासपोर्ट चाहिए केवाईसी के लिए? कोई बात नहीं सर, मैं बेलबॉय को भेजता हूँ, आप जाइए। कमलाकर सर, व्हाट द हेल, डैड का फोन लग ही नहीं रहा है। उन्हें वॉइस मैसेज भेजता हूं। डैड, आपके पीओ को फौरन निकाल दीजिए। जानते हो उसने कैसा कमरा दिलवाया था? बट डोंट वरी, हम एक अच्छे होटल में आ गए हैं। कल से आपका फोन नहीं लग रहा है। मैसेज मिलते ही प्लीज कॉल कीजिएगा। लव यू डैड। बाशा, या डूड, तूने कहा था यहाँ क्यूट लड़कियां मिलेंगी, कहाँ पर हैं? ये किसको पूछूं? एजेंसी को पता होगा। ए एजेंट, ये कुछ पूछ रहे। कम पूछे ना, आपकी सेवा के लिए शुभ हूँ। बच गए। आपको स्विमिंग करने में मजा तो आ रहा है ना? कमला, ये पूल इतना सूखा क्यों है? सूखा कहाँ है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अरे जलपरिया कहाँ है? सर, किसी भी होटल में रात को 2 बजे 2 पीस में लड़कियाँ स्विमिंग करने नहीं उतरती। ये बोला तुम्हारे होटल में नहीं होता। अच्छा छोड़ो सर, अगर हमें लड़कियों का सर, मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। hey, मैं पूछने वाला था कि खूबसूरत लड़कियाँ देखने को कहाँ पर मिलेंगी? ओह अच्छा, आपको अच्छी लड़कियाँ मॉल में मिलेंगी। मॉल में? हाँ। अच्छी होंगी ना? बहुत अच्छी। नमस्ते सर, जाइए। मसाज वाला था क्या? चेक कर रहा हूँ, आपके पास कोई हथियार तो नहीं है? अरे चेक कर रहा है कि मौके का फायदा उठा रहा है डूड। पीछे वाले को चेक कर। उधर मेरे ला तुम मुट्ठे और उधर मेरे ला। तूने कहा था हीरोइन जैसी लड़कियां मिलेंगी, कहां पर है क्यूट गर्ल्स? मुझे तो एक भी नहीं दिख रही, सब अपनी भागदौड़ में लगी है, कोई भी टाइम पास करने नहीं आ रही। से देखना भाई। सॉरी।
नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भेल। गंजापन दूर करने के लिए ये है नीम की पत्ती का तेल। चंबो चिमन किधर से आ गया? किधर गई वो? वो रही। मिल गए डूड। रुक 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 रुक, ये अमेरिका नहीं है, इंडिया है। वहाँ की लड़कियों जैसी नहीं होती यहाँ की लड़कियाँ। इनको पटाने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। लेट मी गूगल कौन सा वाला ये सही है। ध्यान से सुन। नंबर वन, उसकी तारीफ कर, मतलब जुल्फों की तारीफ। दूसरा, अपनी आंखें ऊपर रखो, मतलब आंखों में आंखें डाल के देखो। तीसरा, जोक मार के हंसाओ, फिर भी ना हंसे तो गुदगुदी करो। ये सब लिखा ना? तो तू पहले से गूगल करके आया है? ए, जब दुनिया के सारे मर्द कुत्ते हैं तो लड़कियां भी एक ही रोल की टिश्यू पेपर है। डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। इंडिया में बुलेट ट्रेन चला रहे। हाय, मैंने अभी तुम्हारा डांस देखा, बिल्कुल शकीरा लग रही थी। आई लव्ड इट। थैंक यू। मेरा भी करा दो ना। मतलब वजन कम, वेट लॉस, यही प्रोडक्ट है ना? यस सर, ये एक फ्री सैंपल है। और यूज कैसे करना है इसमें लिखा है। ओके, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना हो तो कैन आई गेट योर नंबर? यस श्योर, इट्स 040। हाँ, 040 4262 4262 4242 02 02 42 42। अगर आप नए कस्टमर हैं तो एक नंबर दबाइए। प्रोडक्ट की जानकारी चाहते हैं तो दो नंबर दबाइए। हेलो, इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो ये क्या है? ये दबाओ, वो दबाओ, क्यों दबाऊं? सर ये टोल फ्री नंबर है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो यही नंबर डायल करना होगा। मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। For what? बस ऐसे ही चैटिंग करेंगे। मुझे लगता है अनजान लड़कियों से उनका पर्सनल नंबर लेना आपका एक अजीब सा शौक है। पर सॉरी सर, मुझे अनजान लोगों को अपना पर्सनल नंबर देने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारा हाथ थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ नंबर ही तो मांग रहा हूँ। सर नंबर नहीं दिया है क्योंकि नहीं देना है, प्लीज लीव। ओके, बट यू नो व्हाट, जिंदगी बहुत छोटी है और दुनिया उससे भी छोटी है। क्या पता कल तुम मुझसे मिलना चाहो और मैं मिलूं ही ना। क्या पता कल तुम मेरा नंबर मांगो और मैं तुम्हें नंबर ही ना दूं। ऊपर वाला लाइफ की एडिटिंग कैसे भी कर सकता है। इडियट, पता नहीं मैं इंडिया में क्यों आया। पहले ही बोला था तुझे ये इंडिया है, ठुसकी हो गई ना। हिंदुस्तान तो सारे जहां से अच्छा है पर यहां की लड़कियां नहीं। डायलॉग मारते हैं। उस देसी गर्ल को लगता है उसने मुझे रिजेक्ट किया। अरे मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। रिजेक्ट मेरे बाप का क्या जाता है। एक बात बोलता हूँ ब्रो, ये मॉल वॉल की लड़कियाँ टाइम वेस्ट करने वाली है। हाँ, टाइम अगर असली मस्ती करनी है ना तो गोवा जाएंगे। गोवा। मेरा बर्थडे मनाएंगे गोवा में। यो ट्रिप टू गोवा। हाय, आई एम अरविंद और ये मेरा फ्रेंड बाशिया। बैठिए। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें गोवा जाना है। ओह, वो तो खूबसूरत जगह है। वो तो देखकर ही बताएंगे ना। गलती हो गई, आपको कौन सी कार चाहिए? कार फरारी। नहीं 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 भाई, पोर्श बेटर है। नो ब्रो, फरारी फास्ट है। ये इंडिया है, पोर्श पोर्श फरारी। आप लोग बहस मत कीजिए, मेरे पास दोनों कार नहीं है। नहीं है तो फिर कौन सी है? रेंज रोवर है सर। क्या लगी क्यों? ओह माय गॉड, रेंज रोवर बड़ी गाड़ी है, पीछे जगह भी ज्यादा होती है। समझा। ओके, रेंज रोवर दे दो। आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा सर। फुल पेमेंट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। सर ये कार्ड काम नहीं कर रहा। ओके, ये वाला देखो, ट्राई करो। ये भी काम नहीं कर रहा है सर। माय टीसी बैंक अनलिमिटेड मनी। मुझे लगता है बैंक में कुछ प्रॉब्लम है। तुम कार रेडी रखो, हम एक घंटे में आते हैं। सर चाबी। सर ये हमारी कंपनी का रूल है। बैंक का ऐप भी नहीं चल रहा है। डैम। ए ड्राइवर जी। हाँ बोलिए। आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों नहीं है? तुम्हारा पतलून ढीला हो गया है का? बाय द वे ड्राइवर डूड, मैं नाड़ा पहनता हूँ और दूसरी बात, पतलून तो क्या, हड्डियां भी ढीली हो जाएंगी। मैडम ये NRI है, इनका अकाउंट है हमारे बैंक में, ये आपसे बात करना चाहते हैं। वेलकम सर। अंदर आइए। हेलो सर, आई एम द मैनेजर। हाय, मैं मैनेज होना चाहता हूं। अंजलि।
बताइए क्या मदद करूं? हम अमेरिका से हैं, हॉलिडे पे, पर मेरा कार्ड वर्क नहीं कर रहा। ओके, कार्ड दीजिए, मैं चेक करती हूं। साथ में विजिटिंग कार्ड भी ले लो। ये लो। थैंक यू। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं दूर कर देती हूँ। कर दो ना। बैंक ने NRIs के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, आप खाता खुलवाएंगे? जो खुलवाना खुलवा दो। थैंक यू। विकास, जूस लेकर आओ। ब्रो, इसको भी साथ में गोवा ले चलते हैं। I'm engaged. Oh, I don't mind. विद्या प्रसाद कौन है? मेरे डैड हैं, मेरे डैड का अकाउंट है। ओके, इस अकाउंट से सारे पैसे एक साथ निकाल लिए गए हैं। सॉरी, अकाउंट का बैलेंस है जीरो। जीरो? यहाँ का इंटरनेट खराब है, मैं आईपैड में चेक करता हूँ। जाओ जाओ जाओ। यार ये इसमें तो जाते वक्त खाता जरूर खुलवा लीजिएगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू। ये बैंक बंद कर दो, इस बैंक में पैसा ही नहीं है। ब्रो, काका कहीं अमेरिकन कर्जे की नैया में तो नहीं डूब गए? डैड और कर्जा कभी नहीं। ओके। एक सेकंड, डैड का ही फोन है। डैड, अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है? मैंने निकाल लिए, सोचा अब इतने पैसों की जरूरत नहीं है। मजाक छोड़िए डैड, प्लीज जल्दी पैसा भेजिए। भेजता हूँ मेरे बेटे, 5,000 भेजता हूँ, ठीक है? सिर्फ $5,000, इससे तो सिर्फ होटल का बिल भर पाऊंगा, और भेजिए। मैंने $5,000 नहीं कहा मेरे बच्चे, ₹5,000 कहा है। डैड, आपका इकलौता बच्चा हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अभी। वो इंडिया है, अमेरिका नहीं। वहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ बहुत सस्ता है। तुम्हें घर का रेंट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक महीने के राशन पानी के लिए तुम्हें ₹5,000 भेज रहा हूँ। एक महीने के लिए? अच्छा समझा, ये मुझे सुधारने का आपका कोई सीरियल प्लान है? मौके पर चौका मारा आपने। हाँ, आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अमेरिका वापस नहीं आ सकता। 2 दिन के अंदर आ जाऊंगा मैं, 2 दिन के अंदर, देख लेना। क्या हुआ ब्रो, दिवाला निकल गया? ए, अभी तक तो समझा नहीं, ये इंडिया के ट्रिप पूरा स्कैम है। डैड ने जानबूझकर ये किया है, उन्होंने ही पूरा अकाउंट खाली कर दिया। लड़कियों के चक्कर में बका, तू तो गियो। अपनी तो लग गई ब्रो, पूरी तरह लग गई। सर, आपका फाउंटेन फॉलो था। हे स्वीटहार्ट, पता है मैं बहुत मुसीबत में, मुझे पैसे चाहिए, कुछ पैसे भेज दोगी? No, I can't, because I too don't have. Shit. Don't you ever dare to call me again. सिर्फ $5,000 उधार चाहिए। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। जा बे झंडू। बेटा अभी। मॉम। कैसे हो तुम? हेलो। मैं उससे नाराज होकर ये सब नहीं कर रहा गायत्री। पैसों की कमी होने पर ही पैसों की कीमत समझ में आती है। अगर आज तुमने उसकी मदद की तो वो कभी नहीं सुधरेगा, इस पर सोचना। मूर्ति, कहिए ना भैया। तुम्हें प्रमोशन लेने का गोल्डन चांस दे रहा हूँ। यही ना कि आपको वापस आने के लिए पैसे भेजूं मैं? आपके डैड से मुझे प्रमोशन मिल चुका है, आपकी मदद ना करने के लिए। डूड, शात्री मॉम हेल्प कर दे। हाँ मॉम, मॉम। हे जॉर्ज, दिस इज योर। या, कौन बोल रहा है? चौथी पत्नी का 5वां बेटा बोल रहा हूँ। ढीले मम्मी को फोन देना यार। तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं है। क्यों, किटी पार्टी में गई है? She divorced me. तेरे को भी छोड़ दिया? अरे कब छोड़ा यार? 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले? माँ कसम, मंडे को तो शादी हुई थी, संडे को तलाक दे दिया। ओके, तू भी 5वीं शादी कर ले। अच्छा, मेरे 11वें पापा का फोन नंबर है क्या? You idiot, ये पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ कब रुकेगी? मैं नीचे जाता हूँ। हाँ। तू यहीं से बैग नीचे फेंक दे। हाँ। मैं कुछ मदद करूँ? माँ कसम। या। ये कांचे की प्लास्टिक अच्छा है, महंगा है, खर्चा किया है। हाय कमला।
नो नो लिफ्ट लिफ्ट। इतनी रात को क्या कर रहे थे? कैच कैच की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओ, अगर मैं आता नहीं तो साथ में भागने की भी प्रैक्टिस हो जाती। रात में कौन भागेगा? कैसी बात कर रहे हो कमला? कमला नहीं, कमलाकर। मैनेजर कमलाकर। बिल 2 लाख का हुआ है, पैसे निकालो। पैसे? 2 लाख? इतने पैसे तो नहीं है, 2 दिन का टाइम मिल जाता तो। भास्कर, हाँ, पुलिस को फोन लगाओ। नहीं, नहीं, अरे रुको रुको, एक मिनट, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज रुकिए। एक मिनट, ये हमारे महंगे गैजेट्स हैं, पैसे के बदले नहीं ले लीजिए। मैं इस 5-स्टार होटल का मैनेजर हूँ, कोई सड़क छाप भंगार वाला नहीं जो इसे खरीद लूं। तो आप ही बताइए क्या करें। करना क्या है, तुम्हारा अमेरिकन पासपोर्ट है ना, यहाँ रख दो, पैसे दे दो और यहाँ से ले जाना। पासपोर्ट? भास्कर सर, पासपोर्ट कैसे? पुलिस वाले को फोन लगा के। रुके रुके रुके, बात कर रहे हैं हम। क्या बोलता है, दे दो पासपोर्ट, बच जाएंगे। ये लीजिए। बिना बारिश के छोटे छोटे मेंढक हाथ में आ रहे, लेकिन चाबी नहीं मिल रही। Damn it, उस दिन मैंने चाबी फेंकी क्यों? साथ में किस्मत भी फेंक दी। ब्रो, मैंने सुना है यहाँ के लोग ऐसी हरियाली में हल्के होते हैं। यू छी छी नहीं तू इडियट, तू छी तू छी। आप लोग यही ढूंढ रहे हो ना? ये कौन बोला? हाँ हाँ, यही यही शक्कर के साथ दही। पहले 2 रुपए दे। बच्ची रिश्वत मांग रही है। 2 रुपीज? ये लो बेटा, 20 रुपीज। 2 रुपए? 2 रुपए? ये लो, आप खुश? चाबी दो। वेरी गुड गर्ल। ए, कौन है वहाँ? आप उनके इलाके में कौन आया? तुझे क्या लगा सब सो गए होंगे और तू बच्चा चुरा कर ले जाएगा? रुको, हम लोग इस घर में नए रहने आए। टॉप फ्लोर विद बालकनी तेरा है क्या? पहले क्यों नहीं बताया तूने? उधर जो भी आता है ना, उससे अपन की पक्की दोस्ती हो जाती है। अपन ऐसा ही है। वैसे आपकी तारीफ? मलेश जुगाड़ू मलेश। वैसे तुम कौन है? क्या बात? ये बादशाह है और मैं अभी। आओ, एक बात बोलूं, तुमको जो भी तफलीक होए ना अपुन को बोलने का, अपुन सब सलटा देगा। तू इस छोटी उंगली को देख रहा है ना, इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब तुम कली की बात ले लो, किरायेदार किराया नहीं दे रहा था तो क्या किया अपुन? अपुन उसको रख के ठोका। अरे रे, अरे चाबी टूटी गई रे। शट अप, नो शटिंग, ओनली ओपनिंग। ए पिछवट, बलवान भाईजान की जय। हाँ चलो, गुड नाइट। अगर कमरा ऐसा तो वो कैसा? ब्रो ब्रो, टॉयलेट में टॉयलेट सीट गायब है और नहाने के लिए लोटा है। क्या बात कर रहे भाई, यहाँ सब कुछ है। वो देख हमारा एयर कंडीशनर, और उधर देख वो है हमारा माइक्रोवेव। सदमा? रेफ्रिजरेटर। शॉक लगा। और ये हमारा होम थिएटर सिस्टम स्ट्रीमिंग के साथ। मम्मी मरी गई। हे, ब्लूटूथ स्पीकर डूड। और ये देख सॉफ्ट मैट्रेस। वाओ डैड, वाओ, अच्छी जगह है। और आप तो इससे भी अच्छे निकले। लगता है भाई लोगों को रूम बहुत पसंद आया। ये घर हवा महल है, एसी की जरूरत नहीं है। हे, ग्रीन टी 90। व्हाट? जादूगर पाशा का कमाल। गरीब पिए एक बार, अमीर पिए बार बार। लो पीकर देखो। उसके साथ चटाकेदार आम का अचार। खाओ खाओ। अरे अरे अरे, खा के पीना है। हाँ उठाओ, पियो पियो पियो, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चाट के खाओ। पूरा सिस्टम हिल गया। एक और। ओके भरो एक ग्लास। ठीक है, रिफिल रिफिल। मेरा भी खत्म कर दिया। टांग क्यों रखा? हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, पक्के वाले दोस्त हैं। तुम लोगों को यहाँ कुछ भी चाहिए हो ना, तो अपन को फोन लगाओ। देशी विदेशी दारू जो चाहिए वो
पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेडिंग कार्ड, मेमोरी कार्ड, सबका जुगाड़ करेगा ये मलेश। जुगाड़ू मलेश। क्या हुआ? राजगद्दी हल्का हो गया। ये क्या? छुट्टा नहीं है। हाँ दे दे। ओ, नीचे जाके नाऊं क्या? अरे यार नहीं रहने दो, नहीं चाहिए मैं। दो इडली देना। चलो निकलो, चलो हवा खाने आ जाओ। प्लीज भाई बहुत गर्मी है। बर्फ बना लो ना। मेरे पे अच्छा लगेगा ना? सोच कैसे लेगा? हाँ, वो वाला बजट में। हाँ ये अच्छा लग रहा है। मुझे दो दो दो। थैंक्स। छुट्टे वापस करो। जल्दी जल्दी। अरे हटो यार। अरे यार। जरा भी सिग्नल नहीं मिल रहा यार। हे इधर वाईफाई है यार। हाँ पूछ। भाई साहब वाईफाई है क्या? हाँ ना अंदर है। अरे वाह अंदर है। एक घंटे के लिए हम दोनों का चाहिए। हम दोनों तेरी इतनी मजाल। एक घंटा यूज करेंगे। क्या बोल रहे हो? सुनो इतना भड़क क्यों रहे हो? फ्री में नहीं चाहिए, पैसे देंगे उसके। तो तू मेरी बीवी को खरीद के आया है? तेरी वाईफाई वाईफाई पीछे जा। अरे मेरी भी क्या है? देखो दो घंटे की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अरे चार सेशन देना। थैंक यू। छुट्टा दो। हे नो 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 नो। मुझे स्किन एलर्जी है। मेरी आंखों में कांटे होते हैं। ये नहीं। इसका क्या? अरे नहीं एक बोतल तो। एक नंबर। सर हाँ ठीक है बैठिए। थैंक यू सर। क्या बात है एसीपी, तुम कह रहे थे अकेले में बात करना चाहते हो? घबराओ मत, बोलो। उस केमिकल फैक्ट्री की समस्या का अगर आप कोई हल निकाल लेते तो बहुत बेहतर होता। इसकी वजह से लोग आंदोलन पर उतर आए हैं, साथ में भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है सर, इस विरोध और भूख हड़ताल का असर चुनाव पर पड़ सकता है। केमिकल फैक्ट्री से उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है तो क्या भूख हड़ताल से जान नहीं जाएगी? बल्कि उससे तो और जल्दी मरेंगे। अकल नाम की चीज नहीं है लोगों में। कुछ और है तो बताओ एसीपी। लोग बेवकूफ हैं एसीपी, जब उन्हें पानी नहीं मिलता वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके पास नौकरी नहीं होती, जब दिक्कतें आती हैं तो वो ये सब मंदिर में जाके मांगते हैं, किसी एमएलए या मिनिस्टर से नहीं। कोई नहीं पूछता कि हमने 5 साल में क्या काम किया, मगर सबको याद रहता है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन पर उन्हें क्या मिला। उनकी परेशानियों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए,
क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। अभी मुझे ध्यान देना है कि इलेक्शन के लिए पैसा कहां से आएगा। मेरे पास तुम्हारे इस धरने पर ध्यान देने का टाइम नहीं है। जी, और कोई बात है ऐसे भी? मैं बस यही कहने आया था। अब चलता हूं सर। एसीपी, पता लगा सकते हो तो पता लगाओ, एक वोट के कितने पैसे लगेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा। अरे यार, मेरे पैर। लिफ्ट, लिफ्ट। हे, रुक गया। अरे वाह, भला आदमी है। थैंक यू, थैंक यू। रुकना। पैसों का घमंड दिखा रहा है क्या हमें? हिस्ट्री मत भूल, तू भी ऐसा ही था ब्रो। मम्मी मरी गई। अरे टांग है कि टूटी? तू ठीक है ना भाई? चल पाएगा ना? लंगड़ा तो नहीं हुआ है ना? अरे रे बेचारे की टांग टूट गई, अब ये जवान लड़का जीते जी मर जाएगा। मैंने उस दिन तुमसे नंबर मांगा, उसका बदला निकाल रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, ब्रेक लगा रही थी, लगाई नहीं। ब्रेक नहीं लगा तो इसको लगा दिया। अरे रे, कितना खून बह रहा है, एम्बुलेंस के आने से पहले ये बह जाएगा। एम्बुलेंस नहीं, पुलिस को बुला। हाँ, पुलिस, पुलिस टाइम पे आएगी। पुलिस मत बुलाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी मैं। न्याय मिलना चाहिए। पुलिस को बुला। पुलिस, 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 कोई है? पुलिस, प्लीज, हम लोग आपस में निपटा लेते हैं ना, जो कुछ भी है। निपटा लूं? तुम्हें क्यों लिपटाऊं मैं? यानी कि कुछ पैसे वैसे, मतलब रिश्वत देकर मुझे खरीदना चाहती हो? मैं तुम्हें बिकाऊ नजर आता हूँ क्या? मैंने वो सोचकर नहीं कहा, आपके इलाज के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। तो मुझे पैसे दोगी? मुझे पैसे दोगी? कितने पैसे दोगी? 3,000 रूपए। ओके, 3,000। किडनी है? अरे बड़ी प्रॉब्लम, ज्यादा पैसे। ओके 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 ओके, 4,000 चलेंगे ना? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, अमेरिकन डेलिकेट बॉडी है सर। मैं 5,000 दे दूंगी, मेरे पूरे महीने की पॉकेट मनी। हां ठीक है ठीक है। देखो, पैसों से तो मेरा दर्द खरीद नहीं सकते, फिर भी हम शरीफ लड़के हैं इसलिए बात को बढ़ाएंगे नहीं। लाओ पैसे दे दो, जाओ लाओ। ओके, थैंक यू, मैं अभी लाऊं। What's up, bro? देखा, देसी लड़की को कैसी शेंडी लगाई? 5,000, 5,000 रुपए एक ही झटके में। रोज रोज टकरा के काफी कमा सकते हैं, टकराने वाली कंपनी खोलते हैं। देखा ब्रो, देसी लोगों को उल्लू बनाना कितना इजी है। इससे 5, डाइट से 5 हो गए पूरे 10। उसमें से आधा नोट निकाल के हम गोवा जाके पीते ना और पार्टी करते हैं, क्या बोलता है? यस, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और हमारे पास बहुत पैसे। सुनना ब्रो, उस बैंक वाली को बोलना उसकी बैचलर पार्टी गोवा में दे दे। गोवा में खर्चा होगा, लोनावला चलते। ओ, चलेगा चलेगा। ए, ए, काम भाग रही हो? ए, स्टॉप, 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 स्टॉप। कितना चलवाएगा? डैड, 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 अभी तुम्हें एक बात बतानी थी। डैड, पहले मेरी बात सुनिए, आपको कॉल करने तक के पैसे नहीं मेरे पास। डैड, मुझे पैसों की कीमत पता चल गई है, लाइफ की कीमत पता चल गई है। मैं आपसे आपकी हर बात मानूंगा, मैं MBA करूंगा डैड। मैंने भी यही सोचा है बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हारा और बादशाह का MBA में एडमिशन करवा दिया है। थैंक्स। तो क्या सोचा डैड, लंदन यूनिवर्सिटी से करूं या फिर मेलबर्न यूनिवर्सिटी से? मेरे ख्याल से LSE में एडमिशन बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अभी तुम दोनों को MBA के लिए लंदन या मेलबर्न जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में ही रहो। क्या, इंडिया में? देखो अभी, MBA के लिए इंडिया से बढ़कर कोई जगह नहीं है। अगर तुम फिर से US वापस आना चाहते हो तो MBA पूरा करके ही आना होगा। मैंने तुम्हारा एडमिशन नवभारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में करवा दिया है और सारा इंतजाम कर दिया है। एक बात और सुनो, अटेंडेंस 100% होगी तभी मैं तुम्हें महीने के 5,000 रूपए भेजूंगा। डैड, आप खुद को मास्टरमाइंड समझ रहे हैं क्या? ये सब करके आप सोचते हैं कि मैं बदल जाऊंगा? मैं रईस पैदा हुआ हूँ, रईस ही में जिया हूँ और रईस ही रहूंगा। मैं इंडिया के किसी कॉलेज में नहीं जाऊंगा। बाय। hey, सुनो, खत्म, बर्बाद, सब खत्म। 5,000 रूपए चाहिए तो MBA करो, क्या बकवास है? अरे वो क्या कर रहा है, इतना महंगा फोन क्यों फेंक रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू चुप और निकले। अरे ओ बिड़ू, अपना प्रॉब्लम बोल के तो देख, अपुन के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये हाथ पड़ेगा ना तो खून भी निकलेगा। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहा है, तू अपना दर्द तो बता, अपुन उसका इलाज कर देगा। 3,00,000 रूपए चाहिए, देगा क्या तू? 3,00,000 रूपए वो किस लिए भाई? अरे वो सब छोड़ना, तू दे सकता है तो बोल। मैं नहीं दे सकता,
लेकिन दिलवा सकता हूँ। कैसे दिलाएगा? तेरे को बोला था ना मैं अपुन का नेटवर्क चारों ओर फैलाए बेड़ू। अपुन के अंकल ने अपुन को 4 लाख रुपए दिए, उसके बना दिए 40 लाख, वो भी एकदम वाइट। ये जुगाड़ू मलेश का स्टाइल है, 1 लाख दो और 3 लाख ले लो, क्या बोलते हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अपुन यहाँ से निकलता है, बहुत काम है अपुन को। दो दो, जा जा तू। सुन, क्या कर रहा है तू? डन। क्या यार, कितना लेट कर दिया। लैपटॉप का कोई सही भाव नहीं दे रहा था, मुश्किल से बेचा ये। चलो ठीक है, चल आओ। तेरा काला चश्मा मेरा जान लेता जाए। क्यों चाची, कैसी हो, सब ठीक है? कौन महेश? अरे कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। दिखूंगा कैसे, 1 साल से तुम्हें दिखाई कहाँ दे रहा है? वैसे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, अमेरिका से मिलने आए हैं, वो भी खास अपुन से। नमस्ते दादी। नमस्कार बेटा। तुम लोग यहीं रुको, अपुन लेके आता है। टाइम पास कर लेता हूँ। अरकम दरकम दुम दड़क कर लेते रहिए। मम्मी, बिना देखे कैसे मारा? मुझे ऐसा लगा। क्या लगा? कोई कुत्ता पूछ हिला रहा है। मैं कुत्ता हूँ। मेरा कुत्ता चश्मे वाली तेरा क्या हुआ? काम हुआ? हुआ? ला ला ला। वंडर वुमन की दादी। तुम्हारे 3 लाख। थैंक यू ब्रदर, मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतनी छोटी सी बात पर इमोशनल हो रहे हो, सिली एनआरआईज। अब जाओ, जाके मस्त वाली पार्टी करो। हो नहीं, नहीं, ये पैसा पार्टी के लिए नहीं है। एक्चुअली मैं और बाशा मेरे पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए हम एक बार जाकर उनसे अमेरिका में मिलना चाहते हैं। चल बाशा, सीधा एयरपोर्ट जाकर पहली फ्लाइट पकड़ते हैं। अरे पीछे आओ, पीछे आओ। इस पैसे से तू अमेरिका जाएगा? अरे कितना घन चक्कर है ये। क्यों? ये नकली नोट्स हैं, फेक। क्या नकली नोट है? हाँ। मगर क्यों? 1 लाख में 3 लाख का जुगाड़ तो ऐसे ही होता है। क्या कहा? ब्रो, हम तो फंस गए, हमें पुलिस पकड़ लेगी तो हम तो अब हम इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग सिर्फ इस पैसे से पार्टी कर सकते हो। बाप रे। देख, मुझे नहीं पता तूने क्या किया, ये वापस करके मेरा पैसा लौटा दे। ये नहीं हो सकता, ये खतरनाक धंधा है, जो पैसा अंदर जाता है बाहर नहीं आता है। अब क्या करें? मुझे पता है अपना पैसा कैसे निकाल। अरे अरे, चल, अरे, अरे बचाओ, मैं भी आता हूँ। अब क्या होगा? अरे अरे कौन है? अरे देखो, कोई मेरा पैसा चुरा के चला गया। चल चल चल, अरे पकड़ो उसे। इधर छुप के गुंडे को भू करके डराएंगे? नहीं नहीं, ये तो ट्रिपल एक्सेल साइज के गुंडे। बाबा रही। हे! अरे ये पीछे भी गुंडा, बहुत सारे गुंडे। ये तो अपना ही है। कैसा उल्लू बनाया? मम्मी, आया आया आया। अरे इस घर में कितने दरवाजे, चल ना उधर से, किधर से, इधर से। मेरा पैसा, लगता है यही बाहर जाने का दरवाजा है। अरे अरे, लगता है इसके घर में पूरा गांव बसा है। कोई मन बच्ची तो लाख हो पाए। ब्रो, अब आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, सीधा कॉलेज चलते हैं। नव भारत कॉलेज के लिए कौन सी बस जाएगी? समझा नहीं। अरे मुंह की सुपारी निकाल के बोलिए ना। अबे कब से कह रहा हूँ, सामने है, जा पकड़ ले। अरे यही बस थी? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बोला? अरे कब से वही तो कह रहा हूँ, मेरा पान भी धुकवा दिया।
ए, ये भी जाएगी, जा चढ़ जा। इसमें इसमें जगह कहाँ है? अरे इसमें कम से कम एक पैर पे चढ़ सकता है, अगली वाली कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। जा चढ़ जा। किडनी भी दब गई, सांस भी नहीं ले पा रहा। नव भारत कॉलेज जाना, दो टिकट। नव भारत? बाकी पैसा बाद में देता हूँ ना। अरे पीछे कोई बाकी क्या? इसे पैसा लेना याद रखना। कहा कि ब्रो आगे परी है, मुझे भी परा बनना है, मैं आगे जाके आता हूँ। कोई मुझसे नहीं पड़े, तुझसे क्या पड़ेगी? करने में क्या जाता है? हाँ मैंने बात कर ली उसे। अरे तुम्हारे घर टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू। अबे कितने बजे आएगा, कब आएगा, मुझे कैसे पता होगा? मुझसे क्यों पूछ रहा बार बार? मैंने कहा ना वो टाइम पे आ जाएगा। सुबह सुबह फोन करके मेरा दिमाग खा रहे हो तुम। थूक की बारिश बंद कर। क्या यार, 100-100 ग्राम साइड देना है। बाद में बात करता हूँ। ए, थोड़ा साइड हट। लेफ्ट साइड या राइट साइड? अरे हट ना। हे, देख बादशाह, ये तो वही लड़की है। आज इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे पैसे खा के तुम आराम से घूम रही हो। मुझे पैसे चाहिए, रुको, कहाँ जा रही हो? बादशाह, वो देख वही लड़की ओवरटेक करके जा रही है। ए, रुके। ए, यू रुक जा। ए, तू दौड़ कर भाग, मैं बस में भाग के आता हूँ। रुको 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 रुको। अरे मैं नजदीक को पकड़ता हूँ। मरेगी, हड्डी टूटी। इस लड़की के चक्कर में क्या क्या तोड़वाना पड़ेगा। स्कूटी की स्पीड अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। कम इन कम इन। Students, this is Arvind. Hi guys. और ये है बाला शमोंगम. Guys, make yourself comfortable. Sure. और अगर कोई भी problem हो तो मुझे बताना. पहले ही आप syllabus में 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं, तो आपको जल्दी से cover करना होगा. Okay. नेहा. Yes sir. ये तो वही है. इनको syllabus पूरा करवा देना और अच्छे से समझा भी देना. ओके सर। बॉयज जाइए बैठे। अरविंद। अरे अरे अरविंद, मिस्टर अरविंद बुला रही है। सर ने जो कहा तुमने सुना? नहीं, क्या कहा? तुम्हारी कुछ क्लासेस मिस हो गई है ना, तो तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ लेकिन अभी नहीं, क्लासेस शुरू होने से पहले 1 घंटा और क्लासेस खत्म होने के बाद सिर्फ 1 घंटा। ओके। अरविंद, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बताना पड़ा तो तुम्हारा नंबर दे दो। क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर। मुझसे मेरा नंबर मांग रही है? याद है मैंने क्या कहा था? लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया उससे भी छोटी है। एक दिन तुम मेरे पास आओगी और खुद मुझसे मेरा नंबर मांगोगी, याद है ना? देख लिया, आज वो दिन आ गया। तो ठीक है, तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो, मैं सर से बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, कोई नंबर मांगे तो देता हूँ। चलो लिख लो, जल्दी बोलो। 910-097-019। ओके। तुम्हारा नाम क्या बताया था? निकम्मी? नागिन की बेटी कुछ तो था क्या? इट्स नेहा। नेहा, सब मुझे प्यार से अभी कहते हैं। अरे चलो उठ, 8 बज गए। किधर जाना है? नेहा ने पढ़ाई के लिए बुलाया था, चल। ओ अच्छा, तो अब तू ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहता है, MBA करना चाहता है, गोल्ड मेडल लेना चाहता है, भद्दी सी टोपी पहनना चाहता है, वो कोट पहनना चाहता है और फोटो खिंचवा कर अमेरिका जाना चाहता है? डूड, आई नो एवरीथिंग, मुझे अच्छी तरह पता है तू क्यों जा रहा है। जा तुम मेरे हिस्से का पढ़ ले, मैं सो जाता हूँ इस कड़क गद्दे पर। मुलायम नींद आती है। नेहा,
सॉरी नेहा, वो 6 बजे उठ गया था पर टंकी में पानी नहीं चढ़ा इसलिए लेट हो गया। कल से याद रखना 8 o'clock मतलब शार्प 8 o'clock पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो सर को बोल दूंगी। ओ, तो क्या कल से उन्हें भी बुलाओगी? बहुत ही सड़ा हुआ जोक था। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली डिमांड और इलास्टिसिटी पर कस्टमर बिहेवियर का बहुत फर्क पड़ता है, हम देखते हैं कैसे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। हाँ, उसके बाद क्या था? हेलो, मैं जो समझा रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ। तो बताओ अब तक क्या क्या समझाया मैंने तुम्हें? तुम इंडिया की सामाजिक और आर्थिक समस्या के बारे में बता रही थी जिसकी वजह है ये ब्लू ड्रेस, मतलब ब्लू प्रिंट, और वो क्या क्या था, अरे डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है जिसकी वजह से इयर रिंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स और जीडीपी ब्लैक मनी की वजह से गिर गई है जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में पावर नहीं रहा है जिसकी वजह भी ब्लैक मनी ही है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सोचे इन होटो के बारे में, अब गरीबों के बारे में। देखो अपना दिमाग जगह पर रखो, तुम्हें पढ़ाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, सर ने कहा है इसलिए पढ़ा रही। नेक्स्ट टॉपिक। अरे तुम गए क्यों नहीं? तुमने कहा था कॉलेज के बाद पढ़ाओगी इसलिए वेट कर रहा था। गॉड आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई, शांति का बर्थडे है ना तो मैं हॉस्टल चली गई थी। अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हम लोग कल सुबह पढ़ें प्लीज। ओके। अभी तुम जाओगे कैसे? पैदल जाऊंगा। पैदल जाने वाले हो, पर क्यों? बसेस टाइम से चलती हैं, 4:30 वाली चली गई, अगली जो है वो शायद 8 या 8:30 आएगी या उससे भी लेट, इसलिए पैदल जाऊंगा। वैसे तुम रहते कहाँ? यही साइड पे लगा दो, रुक रुक जाओ। अभी बेटा, अभी बेटा, बारिश होने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार कर। थैंक्स सो मच आंटी, आप मेरी कितनी हेल्प करती हो, थैंक यू वेरी मच। आओ ना, कम। ये है मुजमीर का गरीब खाना। सर ने तो कहा था तुम यूएस से आए हो, पर तुम यहाँ क्यों रहते हो? डैड, हर एक की लाइफ में डैड हीरो होते हैं लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है, मेरे डैड। पैसों के भूखे हैं वो, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया, ढेर सारे पैसे कमाना। कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा, यहां तक कि अपने हाथ से प्यार से धोने वाले तक नहीं खिलाए। टी का भी फर्ज पूरा नहीं किया, हर रोज नशे में घर लौटते थे। और फिर गुड नाइट। के माहौल में बस किताबें मेरा सहारा थी। ये किताब ना देख ले, इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रहता। महापुरुष कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, पर उस नेकी के दरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया। तभी से मैंने फैसला कर लिया कि मैं डैड की तरह गरीबों को नहीं लूटूंगा। इनफैक्ट अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत, मेरा मतलब इंसाफ के लिए लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, पर डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पैसों का इतना बुरा असर पड़ता देख मुझे पैसों से नफरत हो गई, लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया, इसलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहाँ पर आ गया। मेरी सोच देखकर मेरा कजिन भी इंस्पायर हुआ, उसने कहा भाई मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पे खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, MBA करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है। नॉट टंकी, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल मदद लिए बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। मैं जब अमेरिका से नया आया था किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुमसे नंबर मांगा था, लेकिन
तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था, इसलिए। चलो अब तो तुम समझ गए मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं तो बचपन से ही लड़कियों की इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। I'm really sorry about that. No, that's okay. Okay then. Bye. Bye. Avi? Huh? Friends? Huh? Friends? Yes, of course. Okay then. Bye. Bye. Bro, ये सब क्या था? अमेरिका में एक क्रैश कोर्स किया था, 10 मिनट में लड़की को बाटली में उतारने का। अमेरिका में? हाँ। सपोज आपको कहीं बैंक से लोन लेना है, आप अपने आइडियाज लेकर बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आपके आइडियाज में उसको अपना रिटर्न दिखता है। लेकिन आपका हिडन एजेंडा कुछ और है, आप कुछ और काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने उस काम को करने में असफल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि आपके पास तो लिक्विडिटी है नहीं। ऐसे में आप जो करेंगे सर, मैं अंदर आऊं? हाँ, कम इन। नोटिस है स्वाति, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अर्जेंटली बुलाया है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आपकी कोई कमाई तो हुई नहीं, तो आप लोन की पेमेंट कैसे करेंगे? ऐसे में आपके मन में ये ख्याल आ सकता है क्यों ना माइकल माल्या जैसा बना जाए। हाँ सर। ये क्या है स्वाति, तुमने अब तक अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं भरी? सबको कहा गया था कि 25 तारीख तक यहाँ फीस आ जानी चाहिए। अब ना तुम्हें हॉल टिकट मिलेगा, ना तुम एग्जाम दे पाओगे। अब तुम जा सकती हो। सर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि जो फीस नहीं देगा वो एग्जाम में नहीं बैठेगा। मेरे सामने ऐसे रोकर और आंसू बहाकर कुछ नहीं होगा, मैनेजमेंट का यही ऑर्डर है और मेरा काम है मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना। तुम जा सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5000 रुपीस अकाउंट में आ गए। अब इसमें क्या होता है ब्रो, आज रात को कि हम जब भी कोई लोन लेने जाते हैं तो कोई ना कोई चीज गिरवी रखते हैं, इसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। इसी सिक्योरिटी पर हमें लोन मिलता है। बैंक हमें लोन ना देने पर यही सिक्योरिटी जब्त कर लेती है और इसी एनालिसिस को हम सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अरे एक और पैक देना। भाव क्यों करते हो? हे एक पैक मतलब एक पैक, बजट के बाहर नहीं जाना समझा? हाँ हाँ। एक लार्ज देना। एक पैक और सर? नहीं। जरा जल्दी। वन मोर। कम से कम हमने सोचा कि बजट में रहना चाहिए। इसका मतलब हम सुधर रहे हैं। हम सुधर रहे हैं। देश भी सुधर रहा है सर। हाँ। देख रहे हैं पापा, हमारी सोच बदल गई है, हम सुधर भी रहे हैं। इस बात पे हो जाए। हम कितना सुधर गए ना। सही बोला, लेकिन तू नेहा के मामले में नहीं बदल रहा है। तुझे 5000 लेने। नेहा? नेहा? मैं और बादशाह पढ़ाई कर रहे हैं। सुनो यहाँ पर, आजा आजा। क्या? ऐसा क्या? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। अरे इतनी रात को क्या, अभी थोड़ी पढ़ाई कराएगी। वो नेहा की दोस्त है ना स्वाति, वो स्कॉलर। हाँ। उसने फीस नहीं भरी तो कॉलेज ने उसे निकाल दिया, आत्महत्या करने की कोशिश की। चल जल्दी चल, तू बिल भर के जल्दी आ जा। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही हूँ भैया, लड़की अब खतरे से बाहर है। अगर मीडिया वाले आए तो मैं बात संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चक्रवर्ती वहां पहुंच रहा है, उसके हॉस्पिटल का खर्चा हम देंगे, उसकी एमबीए की पूरी फीस हम देंगे, मगर किसी भी हाल में ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। जो हुआ उसे भूल जाओ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे मतलब?
हमारे कॉलेज की एक लड़की मुसीबत में है और तुम उसे सपोर्ट करने के बजाय यहाँ मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे हो। देखने हाँ, कॉलेज का अच्छा बुरा सोचने के लिए कई काबिल लोग हैं, तू बीच में मत पड़। कौन है वो काबिल लोग? वो लोग जो स्टूडेंट्स को फीस न भरने पर कॉलेज से निकालने की धमकी देते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने यहाँ पर तुम्हें झूठा दिलासा देने भेजा है? नेहा, भार्गव भैया के बारे में एक शब्द भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसके फेंके हुए टुकड़ों और दारू की आदत हो गई है तुम्हें, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ बेवकूफ है? आज उसकी फटी हुई है इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का क्या जो फीस नहीं जमा कर सकते? उनका क्या करना है वो भैया देख लेंगे। स्टूडेंट यूनियन ने तय किया है कि मामला यहीं खत्म हो जाए। कोई यूनियन इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट से जवाब चाहिए और इसलिए अब वो हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल कौन करेगा? उसकी माँ ने पहले ही डबल पैसे लेकर हमारी बात मान लिया। आंटी, पैसा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। पहले पैसे की कीमत सीख, फिर आकर मुझे लेक्चर देना। hey, क्या बोला? जरा फिर से बोलना। पैसों की कीमत नहीं पता? अमेरिकन रिटर्न, तू यहाँ का नहीं है तो अच्छा होगा कि हमारे मैटर में टांग मत अड़ा। कौन कहाँ से क्या फर्क पड़ता है, पैसा पैसा है, सफेद हो या काला। अब ये NRI हमें पैसे की कीमत बताएगा जो खुद बाप के पैसे पे आश कर रहा है। हम अच्छी तरह पैसों की कीमत जानते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही टूथपेस्ट के साथ कुश्ती लड़ते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा चला सके। हम जानते हैं कि पैसों की असली कीमत क्या है। तुझे डिटेल में समझाऊं कैसे? 8 घंटे भूखे रहने के बाद सुबह नाश्ते में 20 रुपए की 4 इडली खाकर 2 इडली और खाने का मन करता है तो अपने मन को समझाते कि भाई रुक जा, नहीं तो पैसे खर्चा हो जाएंगे। 12 रुपए की 2 चाय मंगाने से अच्छा 6 रुपए की 1 चाय मंगा के आधा आधा करके पीते हैं और कहते हैं कि दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। बस स्टॉप पर धूप में खड़े रहते हैं, भले ही सामने खाली शेयरिंग ऑटो हो, लेकिन 15 रुपए बचाने के लिए हम बस में ही जाते हैं। मेट्रो में 3 रुपए ज्यादा लगते हैं, इसीलिए हम डब्बा बस का इंतजार करते हैं जिसमें खड़े होने तक की जगह नहीं होती, उसमें लटक के जाते हैं। फिर कॉलेज पहुंच के सुबह पेट काट के जो पैसे बचाए थे उससे हम लंच करते हैं और रात को 2 सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। रात में कितनी भी गर्मी लगे, चाहे पसीना क्यों ना छूटने लगे, पंखा नहीं चलाते ताकि बिजली का बिल बचा सके। और पैसे की कीमत बताऊं, टूथपेस्ट के 30 रुपए, डिटर्जेंट के 40, साबुन के 60 और रिचार्ज के 200 रुपए, टोटल करेंगे तो महीने के 5,000 रुपए और हर रोज के 83 रुपीज। अगर हम जैसे लोग पैसों की असली कीमत नहीं जानते तो क्या तुम जैसे लोग जानते हो भाड़े के टट्टुओं? क्या रे, ज्यादा शाड़ा पड़ रहा है। हां तो कोई में शर्ट फटी तो 200 रुपए का नुकसान होगा और मैंने तेरी हड्डियां तोड़ दी तो तुझे 20,000 का होगा। हिसाब लगा ले, तो पैसा बचाओ, चुपचाप घर जाओ। ए, हमको सिखा रहा है तू? हाँ, चुप जा वरना खामखा बात बड़ी हो जाएगी। चलो रे, चलो स्वाति से मिल के आते। एक NRI लड़का जो कि करोड़ों की दौलत छोड़ कर 82 रुपए रोजाना में एक आम जीवन जी रहा है, वो 25 साल का है और अभी नव भारत कॉलेज से MBA कर रहा है। उसने अपने आदर्शों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अरविंद अमेरिका से है और वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसने और उसके कजिन ने करोड़ों की जायदाद और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अमेरिका से इंडिया आ गए हैं और एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। अरविंद का कहना है कि वो इंडिया अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आए हैं। सारी युवा पीढ़ी को अरविंद और उसके दोस्त से ये सीख लेनी चाहिए कि कम से कम पैसों में भी एक अच्छी और सुख वाली जिंदगी जी जा सकती है। सर, वो दोनों आ गए। अंदर तुम्हारी तारीफ चल रही है और तुम यहाँ खड़े हो? अंदर कम। बस बस बस। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारे यहाँ पढ़ने से हमारे कॉलेज का नाम रोशन हुआ है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। एक डायलॉग मार के इतना फेमस हो गया। हाय, हाउ आर यू? हे अभी, व्हाट्स अप ब्रो? Oh, thank you. Hey, रुको रुको रुको, मुझे पार्टी चाहिए। पार्टी? किस लिए? जब तुमने हॉस्पिटल में वो सब बोला कि तुम यहाँ कैसे जी रहे हो, तब नेहा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। oh, इसने न्यूज़ फैलाई। मैंने ये बात अपने एक अंकल को बताई जो एडिटर हैं और उन्होंने न्यूज में ये आर्टिकल दिया। हेलो, कहिए चक्रवर्ती जी। सर, एडिटर को फोन लग गया है। नमस्ते एडिटर साहब। नमस्ते सर, कैसे याद किया? आपके ऑफिस का पार्किंग स्पेस इशू सॉल्व हुआ क्या? आपने कह दिया था तो वो काम हो गया। जब आपको मदद चाहिए होती है तो दुम हिलाते हुए आते हैं, पर हमारी बदनामी में कसर नहीं छोड़ते, है ना? क्या हो गया सर? आप अपना ही अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते?
एनआरआई लड़का 83 रुपए प्रतिदिन में आराम की जिंदगी जी रहा है। मेरे डैड की 38 रुपए वाली उस बात को तुम लोगों ने इतना उछाला कि उसे अब तक झेल रहे हैं हम लोग। इस बात को जानते हुए भी 83 रुपए की उस हेडलाइन के बगल में मेरी फोटो छाप दी। वो सर आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। वो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। ऐसी कोई हेडलाइन जो पुरानी बातों को उछाले वो दोबारा नहीं छपनी चाहिए। ओके ठीक है सर। सुसाइड करने वाली लड़की के टाइम भी यही लड़का हॉस्पिटल में आके नाटक कर रहा था। हाय। हाय। क्या मैं लेट हूँ? नहीं एक्चुअली आज मैं ही जल्दी आ गई। आज तुमने कुछ अलग महसूस किया? नहीं तो? तुम शायद भूल रही हो मेरा सिलेबस कल ही खत्म हो चुका है, फिर भी तुम आज मुझे पढ़ाने के लिए आ गई हो। तो क्या हुआ, पढ़ाने के लिए मुझे ट्रीट नहीं दोगे तुम? ट्रीट? Why not? बोलो क्या खाओगी? बर्गर है, पिज्जाज है, मोमोज है या देख लो कुछ और भी खा सकते हैं जैसे वड़ा पाव। ख्वाहिशें तो बड़ी बड़ी हैं तुम्हारी, पर जेब में पैसे नहीं है ना? Anyway, वहां चलते हैं जहां इंडियन बजट से भी काम हो जाएगा। कम। Is it like a date? No, just a treat. Yes. तुम देखना आज मैं तुम्हें मेरी तरह से पूरा शहर घुमाऊंगी। तो क्यों नहीं घूमूंगा? ये खाए? दो का 20 रुपया? ठीक है। दो? इतना सस्ता? Wait, एक सेकंड मैं। बहुत ही बहुत फास्ट चला रही है, कहीं गिर ना जाऊं। पकड़ लेता हूं। अभी ये जरा देखो, ये एग्जाम में आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो कवर कर चुके हैं, अगला बचा है अकाउंट्स। ओके तो पहले ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो मुझसे गलती हो गई, लो मुझे सजा दो। Love you. I'm sorry. Sister, no dosa. देती हूँ भैया। Apple a day keeps the doctor away. और Apple के पैसे नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं। इसे कहते हैं बुरा वक्त। हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि ब्लड ताजा रहता है और हम जवान रहते हैं। और हाँ, ब्लड के अंदर का अल्कोहल भी निकल जाता है। ओह, पते की बात कही बादशाह। मेरी तारीफ कर रहा है। तुम शाम को फ्री हो? नहीं मैडम, जरा धीरे, मुझे सुई से डर लगता है। हे, तू कितना डेलिकेट है। हाय। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मुझे तेज बुखार है और सांस लेने में भी तकलीफ है, कोई ऐसी दवा दीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, चलने में भी तकलीफ होती है, दर्द के लिए कोई दवाई दे दो बेटा। होल कर दिया। अपना 1 लीटर खून निकाल कर
ये 100 ग्राम का एप्पल दे दिया। फ्री में मिला है, चुपचाप खा ले। देखिए ये कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये ब्लड डोनेशन कैंप है। यहाँ आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए आप ही डॉक्टर हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आप ही इलाज कर दीजिए। बहुत दर्द हो रहा कमर में। क्या करें भाई साहब? अरे हटना बोला तुझे। वाले आ गए चक्रवर्ती। हाँ आ गए सर। इधर आओ। फोटो अच्छी खींचना। हाँ सर ले रहा है। तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री की वजह से यहाँ हम गरीब लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और यहाँ रक्तदान का ढोंग कर रहे हो। अब एक वहाँ से ले। देखना तुम्हें गरीबों की हाय लगेगी। इस बार तुम्हें कोई भी वोट नहीं देगा। दोनों बाप बेटे हमारी जान के दुश्मन बन गए हो। तुमने हम गरीबों की जिंदगी बर्बाद की है, एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। देखना तुम मेरे कान में। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। चक्रवर्ती सर फोटोज अच्छी हैं। हाँ अच्छी है सर। इस जहरीली फैक्ट्री को बंद करो। चलो। अरे धीरे धीरे भाई, धक्का मत। जी हाँ मैं हूँ ना। आप घबराइए मत। मैं करता जी। मुझे एक मौका तो दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं परेशानी हल करूंगा। अरे बाप रे, ये सब क्या था यार? पता नहीं। मीडिया कवरेज कैसी थी चक्रवर्ती? अच्छी थी सर। यहाँ जो कुछ हुआ प्रेस में नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। सोशल मीडिया में या अखबार में मेरे ब्लड डोनेशन के अलावा कुछ नहीं छपना चाहिए। हाँ ठीक है सर। ध्यान रखना। ओके सर। अरे बादशाह, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है? कुछ भी नहीं है घर में। कौन है? भैया भैया, आप खाना खाने आए नहीं, मैं आपकी राह देख रही थी। आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई। वाओ, तुम ये मेरे लिए लेकर आई? थैंक यू। चल बादशाह भैया को जगाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? ए गुड़िया, अपने लिए खाना लाई है। थैंक यू। हार्ट अटैक के बाद हमारे चैनल पे जो दाग लगे थे इस इंटरव्यू से सब धुल जाएंगे। कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर रखना और ध्यान रखना कि रूम मस्त दिखे और उससे ज्यादा मस्त मैं दिखूं। समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अबे कहाँ गया ये? सर लो एंगल से शूट करता हूँ, लंबे दिखेंगे। अबे ज्यादा स्टीवन स्पीलबर्ग मत बन, जो मैं कह रहा हूँ बस वही कर, समझा ना? ठीक है। ए जल्दी आना। आ रहा हूँ सर। हम पहुंच गए हैं। रिकॉर्डिंग का बटन दबा। ऑन है। अभी जो आप घर देख रहे हैं वो है एनआरआई अरविंद और बादशाह का घर, जो हम सबके इंस्पिरेशन है। आइए उनसे मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात लाइव होगी ये उन्हें भी नहीं पता है, तो चलिए चलते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं किशोर, इनके दरवाजे पर तक कुंडी भी नहीं लगी हुई है। कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आकर रह सकता है। उसके ऊपर इनको चोरी का डर ही नहीं है क्योंकि एक आम जीवन बिता रहे हैं। इन बेचारों को देखकर ऐसा लगता है कि देर रात तक ये पढ़ते रहे हैं और उसके बाद थक कर सो गए हैं। ए सुनकर सुनकर ये देखिए, साबुन को भी 1/2 करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने महीने भर का अपने राशन का खर्चा लिखा हुआ है। इतनी प्लानिंग तो सरकार भी नहीं करती। ये तो काम खा सकते हैं ना सर? खा लीजिए, आपकी वजह से मेरा शो चल रहा है। मैं आपको खाना नहीं खिला सकता क्या? थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, खाइए सर। वो क्या है ना, अगर आप कोई छोटे मोटे चैनल में आएंगे तो आपको कोई भी नहीं देखेगा, पर आप अगर मेरे चैनल थर्ड आई में आए तो आपको पूरा देश देखेगा सर। आराम से खाइए, आराम से। कीमती चीजों को छोड़कर, सुख सुविधाओं को मोड़कर, मौज मस्ती को तोड़कर, झुग्गी बस्ती में घोड़कर, इसके राइटर को मारकर, उसकी लाश को दबाकर, उसके ऊपर गोभी उगाकर, उसकी सब्जी बनाएंगे। अरे बकलोल, ये आर्टिकल है कि राइम की दुकान? अगर ऐसे ही राइम्स में पढ़ता रहा ना तो जाके नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। न्यूज लिखने बोला था, सड़ी कविता लिख दी। छी, ऐसा रहा तो कॉफी विद किशोर नहीं लाफ एट किशोर हो जाएगा। और जरा बताएंगे कौन है ये त्याग का देवता? कुछ डिटेल तो दिया ही नहीं, क्या पढ़ो? क्या पढ़ो मैं सर? ये है वो, ये शक्ल से छीला हुआ आलू लग रहा है। देख के तो नहीं लग रहा कि इसने सब कुछ त्याग दिया है, उल्टा लग रहा है कि इसी को त्याग दिया है। सर, ऐसे चिलगोजे को हम सेलिब्रिटी नहीं बना सकते। मच्छर से शक्ल है इसकी, वो भी डेंगू वाली। छे, जिस दिन ये मच्छर मेरे शो पे आया ना, सारी वैक्सीन अंदर घुसेड़ दूंगा। सर, हमें टीआरपी कैसे आएगी इस बेकार, बेजार, बेतुकी और बकवास न्यूज दिखाकर? कैसे? सर जल्दी से न्यूज पढ़िए, अभी टेलीकास्ट भी करना है। हाँ, दिहाड़ी का मजदूर हो तो पढ़ूंगा ही नहीं। चलो शुरू करो। अरे करो ना रोल। रोलिंग सर। सोशल मीडिया सेंसेशन, हर न्यूज चैनल के हॉट टॉपिक मिस्टर अरविंद पहली बार आपके प्रिय थर्ड आई चैनल पर लाइव दिखने वाले हैं। आइए देखते हैं लाइव न्यूज। सिर्फ 25 साल की उम्र में एनआरआई अवि और बादशाह गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। कट कट कट, क्या हो गया? आम जीवन की बात कर रहे हैं, इसने तो महंगे गॉगल पहने हुए हैं, जनता को बात हजम नहीं होगी। सर सर ये चश्मा उतार दीजिए सर, आपको गरीब दिखना है सर। ओके। स्पीलबर्ग, कैमरा रेडी है ना? रेडी नहीं है, रेडी है। ओके, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बैंक से लोन लेके भी। अरे क्या हो गया विजय? वन मोर। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बैंक से लोन लेके भी आप कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हो, तो आप दोनों इतने कम पैसे में अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हो? प्लानिंग। या प्लानिंग से ही पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर नागेंद्र जी का भी ये कहना है कि एक आम आदमी 38 रुपए में एक दिन का खर्चा चला सकता है। आपको इस बारे में क्या कहना है? 38 रुपीस? That's impossible. बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 83 रुपीस में भी मुश्किल है। तो क्या प्लानिंग कमीशन और सरकार के स्टेटमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ये एनआरआई लड़के सरकार के निर्णय के सख्त खिलाफ है। 38 रुपए में एक दिन का गुजारा नहीं हो सकता। अगर सरकार आम आदमी के जीवन को एक मजाक समझ रही है तो ये सहन नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। अवि और बादशाह की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पब्लिक भी इनके साथ है। ये देखिए, पब्लिक तालियों से इनका समर्थन भी कर रही है। सुबह शाम बस मीडिया ही पीछे पड़ी रहती है मेरे। तो आज हमारे शो पे आए हैं मिस्टर अवि और उनके दोस्त मिस्टर बादशाह। तो जानते हैं कि एनआरआई अरविंद और बादशाह टेलीविजन के सेंसेशन बन चुके हैं। उनके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, खास तौर पर वो वीडियो जहां पर वो अपनी जिंदगी साधारण तौर पर जी रहे हैं। उनके ये वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। कमाल हो गया। हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। भाई मैंने तुमसे पहले कहा था ना। हाय हाय।
अरविंद के फॉलोअर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, खासकर लड़कियों में इनका बहुत क्रेज है। अवि और बाशा एनआरआई होने के बावजूद सिटी बस में ही ट्रैवल करते हैं, जिससे हमारी नई पीढ़ी को एक सीख लेनी चाहिए। पापा बाइक खरीद के दो ना। जरा इस लड़के से कुछ सीख, इतना पैसे वाला होकर भी बस में चलता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और तेरे को बाइक चाहिए, चल जा यहाँ से। इसकी वजह से बाइक क्या साइकिल भी नहीं मिलेगी। उसने अपनी जायदाद और दौलत को ठोकर मार दी और वो यहाँ एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बिता रहा है, और इसी वजह से अरविंद सभी लोगों में बहुत मशहूर हो गया है। गुड मॉर्निंग सर, इट्स एन ऑनर एंड प्रेस्टीज टू बी ऑन योर शो। ये मत सोचना कि एक स्टार को इंटरव्यू देकर तुम भी स्टार बन जाओगे, भिखारी रहोगे तुम। यहाँ बड़े बड़े 30 मार खाकर 30 रह जाता है और मार खाके जाते हैं। जब मेरे सवालों के तीर चलेंगे ना बेटा, तो आंखें गीली, पैंट पीली और दुनिया नीली हो जाएगी तेरी। कॉफी किधर है? चलो शुरू करते हैं। अबे क्या कर रहा है? इधर कॉफी विद किशोर लिखा ना। किशोर तो है लेकिन कॉफी नहीं है ना। बेटा तेरी कॉमिक टाइमिंग इतनी खराब है कि अगली फिल्म में कास्टिंग ही नहीं होगी। चलिए सर शुरू किया जाए। कॉफी विद किशोर में आपका स्वागत है। ऐसा शो जो सेलिब्रिटीज की मन की भावनाओं की छानबीन करता है अपनी थर्ड आई से। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे नौजवान जिनके जीने के तरीके ने रातों रात ओवरनाइट सेलिब्रिटी स्टेटस दिला दी है। मिलिए मिस्टर अरविंद इनके दोस्त बाला संघम उर्फ भाषा से। वेलकम टू माई शो। थैंक यू सर। हाय किशोर। अरविंद तुम्हारी एज 25। इसका मतलब 25 साल तक तुम अमेरिका में ही थे, वहीं खाया, वहीं नहाया, वहीं धोया। तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी सारी दौलत छोड़कर यहाँ आने की क्या सूझी जो पिछले 25 सालों में नहीं सूझी? I want an answer sir। देश सुन रहा है। बताइए सर बताइए। You are live। बाबा क्या आपका मतलब है? संजू बाबा? नहीं नहीं बाबा बाबा। बाबा एक दिन सपने में आया और मुझसे कहा, देखो अरविंद ये गाड़ी दौलत सुख सुविधाएं ये सब माया है। उन्होंने समझाया एक डॉलर भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे ऊपर। सो मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के लिए जीने में ही है। आम आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बाबा का कहना मैं कैसे टालता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इसका मतलब तुम बाबा के अंधभक्त हो, मतलब फॉलोअर। अगर वही बाबा यहाँ आकर तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दे तो तुम उन पैसों को क्या करोगे ये बताओ। ये तो सिंपल सवाल है सर, पैसा लेके सीधा अमेरिका चले जाएंगे। और ये भाषा किस भाषा में बोल रहा था? चलो बताओ बताओ क्या बैंक ऑफ अमेरिका? क्या वो अमेरिका बैंक नहीं है? रूड बैंक ऑफ अमेरिका है। इसके कहने का मतलब है कि हम पैसों को वहाँ पर जाके फिक्स डिपॉजिट कर देंगे और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो गरीबों में बांट देंगे। यही तो बोला मैं। पूरी बात बोला करना। तो तुम मुन्ना और ये सपोर्टिंग सर्किट समझ रहा तुम्हारी किट। क्या मार्किंग को आउट करूं? अगर तुम लोग इतने गरीब हो प्लेन की टिकट नहीं खरीद सकते तो फिर तुम लोग इंडिया आए कैसे? अरे हम समंदर में शार्क की पीठ पर बैठ कर आए। बोल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? पैसे देकर इसने शार्क खरीदी कैसे? हम पैसे बचाने के लिए बोलो फ्लोट वाली शार्क में हवा भर के उसपे तैरते हुए आए हैं। अगर ट्रेन से आते हैं प्लेन से आते तो कितना खर्चा होता। अरे हम तो सोच रहे थे कि रेडी पर आए पर इसके पास हक्का ही नहीं है। गोगली तो फ्लॉप कर गई, लगता है बाउंसर मारना होगा। ये फ्लोट वाली शार्क कैसे खरीदी? सर अमेरिका में भी रस्ते की सस्ते में मिलती है। रेकड़ी वाला नहीं बैठता है, हमारी जनता को बेवकूफ मत बनाओ। सब जानते हैं वहाँ पे कोई रेकड़ी वाला नहीं बैठता है। अच्छा ये बताओ तुम्हें ये भी मेले से मिला था क्या? सर आप ऐसे पहले इंसान हैं जो गरीबों की मदद करने से हमें रोक रहे हैं, यह गलत है। आप कभी मेले में गए नहीं इसलिए मन भी मेला हो गया है। अबे तुझे मैं मेले थैले में बिठा के पूरे मेले में घुमाऊंगा, सुसु करके आता हूं फिर बताता हूं तुझे। वजन वाला जुड़वा मिल सकता है। अरे सुसु बाद में करने जाना, पहले बैठो, पहले जाकर दुनिया देखो। अमरावती देखा नहीं, अमेरिका वालों को उंगली मत करो। तो ये था इस हफ्ते का कॉफी विद किशोर। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तैयारी अच्छी थी, बच गए बेटा। माइक तो उतार के जा भिखारी। अरे इम्पोर्टेंट होगा, मैं बात करता हूँ। स्पीकर पे डालता हूँ। हेलो हेलो अवि, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस? किस लिए? तुम्हें पता है हर साल एक फेमस न्यूज चैनल यूथ आइकन कॉन्टेस्ट करवाता है और इस साल उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है अभी। यस, जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? हेलो, टक 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 टक
हेलो अभी पैसा तो हाथ की मेल है, जीतने का जज्बा होना चाहिए, जीतूंगा मैं ही। ये बताओ ये चैनल का नाम क्या है? हम यूथ आइकन कॉन्टेस्ट की डिटेल्स जानने के लिए आए हैं। उसका सिलेक्शन कैसा होता है, क्राइटेरिया क्या होगा? SMS वोटिंग शुरू हो चुकी है, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा हम विजेता का चुनाव वोट्स के आधार पर करेंगे। सर अगर जीत गए तो 5,00,000 रुपए दोगे ना? बिल्कुल देंगे। लेकिन आप पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम अपने मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को काशी यात्रा पर भेजना चाहते हैं, ये पैसा मिलेगा तो उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। काफी अच्छा विचार है। कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है। अभी तक मिले पोल के आधार पर पहले नंबर पर है भार्गव, दूसरे नंबर पर है वैष्णवी और तीसरे नंबर पर तुम हो। डूड ये कॉन्टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है, इसी पैसे से हम अमेरिका जा सकते हैं। परफेक्ट ना? डैड का कॉल है। हाँ, बात कर। हेलो डैड। क्यों बेटा, अटेंडेंस ठीक चल रही है ना? पढ़ाई ठीक तरह से कर रहे हो या फिर आवारा गर्दी हो रही है? दिल लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो 5,000 रुपए भेजना बंद कर दूंगा। अपने पैसे अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। मैं हफ्ते भर में US वापस आ जाऊंगा। सी यू सून डैड, बाय। भार्गव, कोटेश्वर जी तुमसे बात करना चाहते हैं। कोटेश्वर जी, ये लीजिए। हेलो भार्गव। हाँ नमस्ते सर। अभी मैंने तुम्हारा अखबार में नाम देखा, क्या तुम भी वो यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में नॉमिनी हो? वो मैं ही हूँ। अब तुम सही ट्रैक पर हो, ये बहुत ही खास अवार्ड है, एक बार तुम इसे जीत जाओ तो हम उन लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जो तुम्हारे तजुर्बे पर सवाल उठाते हैं। आप देखना सर, ये अवार्ड मैं ही जीतूंगा। दो प्लेट इडली, 50 रुपए। कितना पैसा है? 1 प्लेट ही देना। ठीक है, 5 रुपए छुट्टा नहीं है। शेयर करते हैं। ठीक है। अरे क्या ही है, हम लोगों ने हाँ हाँ आपको भी देता हूँ, दो ना पैसा है ना। ए रोको, यहीं रोको। सर सर प्लीज सर एक्सक्यूज मी सर 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 प्लीज एक बार का जवाब दीजिए। नमस्ते नमस्ते। अरे आप लोग क्यों? हम यहाँ नेताजी नगर में हैं और हमारे सामने हैं भार्गव जी, जैसा कि आप देख रहे हैं वो आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। लीजिए सर, फेमस है सर। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ के रोड साइड ठेले पे लोगों के साथ खाना भी खा रहे हैं और यहाँ पर वो उनके क्षेत्र नेताजी नगर के लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने और चर्चा करने आए हैं। हमें पता है कि भार्गव यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में पहले नंबर पर चल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस टूर का महत्व बढ़ गया है। पानी दे दीजिए। ब्रो हम किस्मत से पॉपुलर तो हो गए पर आगे से नहीं चलेगा, हमें कुछ प्लान करके स्ट्रेटेजी बनानी होगी। लोगों और मीडिया की नजरों में आना होगा, हमें कुछ ऐसा धमाकेदार करना होगा ताकि ज्यादा वोट्स हमें मिले। आज से ये काम शुरू करना होगा। ओके ओके, डील डील। थैंक यू थैंक यू। तो आज की पहली खबर है, अरविंद की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेट हो गए, जल्दी चल। हाँ लाइए ना, थैंक यू थैंक यू, अभी लगाता हूँ। हेलो सर। जल्दी जल्दी आ जाइए। ये लीजिए मैम। हाय डैड, ये अभी ये बादशाह। आशीर्वाद दीजिए। कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही फेमस हो गया। नमस्ते 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 दादा, आप सब लोग यहाँ पर अचानक? एक तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो बेटा। मैं बचाऊंगा भैया। बेटा तुम तो जानते ही हो
केमिकल फैक्ट्री का सारा कचरा नदी में डाला जा रहा है। वो पानी पीने से हमारे बच्चों के गुर्दे खराब हो रहे हैं और साथ ही हम सबकी तबीयत भी खराब होने लगी। हम कई सालों से कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद कर दो, पर सरकार हमारी बात को सुन ही नहीं रही है। हम सब तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आए हैं, अब तुम ही हमारी कुछ मदद करो। पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही कर सकते हो बेटा। कल की भूख हड़ताल में अगर तुम हमारा साथ दो, हमें यकीन है इस हड़ताल में कामयाबी जरूर मिलेगी। फिर सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। न हम यहाँ रह सकते हैं और न ही ये जगह छोड़ सकते हैं। हम बहुत उम्मीद से आए हैं बेटा। ठीक है। वो बात ये कि हम दो तीन दिन अपने कॉलेज के प्रोग्राम में बिजी हैं, तो हम आ नहीं सकते, सॉरी। मेरे बेटे, ये बूढ़ा तुम्हारी मिन्नत करता है, तुम जरूर आना, तुम ही हमारी आप जरूर आना। भैया आपको मदद के लिए आना ही होगा, ये लीजिए प्लीज। केमिकल फैक्ट्री बंद करो, जो सरकार हमारी बात को नहीं सुनती। केमिकल फैक्ट्री इस सरकार की तानाशाही चलेगी। केमिकल फैक्ट्री बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। केमिकल फैक्ट्री बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। केमिकल फैक्ट्री बंद करो, इस सरकार की तानाशाही चलेगी। केमिकल फैक्ट्री बंद करो, जैसा कि आप करो, बंद करो। जो सरकार हमारी नहीं सुनती, वो सरकार निकम्मी है। केमिकल फैक्ट्री बंद करो, केमिकल फैक्ट्री बंद करो। जो सरकार जनता की नहीं, वो किसी की नहीं। सर बोलो, मैं यहाँ फैक्ट्री के पास हूँ, कई सारे लोग हड़ताल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये ड्रामा पहली बार तो हो नहीं रहा, हर बार की तरह भीड़ को तितर बितर कर दो। कर देता सर। हड़ताल में आए हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब इस हड़ताल में वो अरविंद भी शामिल होने आ रहा है। बंद करो केमिकल फैक्ट्री, बंद करो केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी और बादशाह भी इनका साथ देने के लिए आ गए। जुड़े रहिए। अरविंद भैया, अरविंद भैया, अरविंद भैया, केमिकल फैक्ट्री बंद करो। आगे आगे केमिकल फैक्ट्री बंद करो, बैठे हुए लोगों और उनके नारेबाजों से पता लग सकता है कि ये लोग सरकार के कितने खिलाफ हैं। तो आइए हम सब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। बंद करो। अभी हमें ये सब करने की जरूरत है क्या? देख, ऐसा करने से वोट तो ज्यादा मिलेंगे, साथ ही अपने मोहल्ले वाले भी खुश हो जाएंगे। तो चलो बंद करो, बंद करो। एक मिनट प्लीज। अरे हद, बताइए अरविंद, आप हड़ताल में बैठे हुए हो तो क्या आप गरीब लोगों का समर्थन करते हो? क्या कहा, समर्थन करते हो? सारे गरीबों का गरीब हूँ मैं। मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब, मेरा बाप गरीब, पूरा खानदान गरीब, मैं गरीब। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि ये सब गरीब लोग हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी समस्या बहुत बड़ी है और जब तक इनकी समस्या का हल नहीं मिलता यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। कम ऑन गाइस। अगर लाठीचार्ज किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए कोई ठोस वजह चाहिए। भेज रहा हूँ। शांत हो जाओ। क्यों रे, बस्ती वालों का नेता बन रहा है, मीडिया फुटेज के लिए कर रहा है? तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूं, टेंट उखाड़ो और निकलो यहां से। सबको हटाओ यहां से, जल्दी करो। हेलो सर, पुलिस की परमिशन तो हम ले चुके हैं, फिर जाने को क्यों कह रहे? कितनी रिश्वत ली तुमने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने के लिए? चल हट। ये गैर कानूनी है, आप हाथ नहीं उठा सकते। वो क्या करेगा?
जी दादा हटो केमिकल फैक्ट्री के बाहर धरना दे रहे बस्ती के लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है जिससे हड़ताल में अफरा तफरी मच गई है। अभी अवि और बादशाह पर हुए हमले और गिरफ्तारी से जुग्गी बस्ती के लोगों में बहुत आक्रोश है। गिरफ्तारी के बाद यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में अरविंद के वोटों की गिनती बढ़ती जा रही है। कॉन्टेस्ट में तीसरे स्थान पर चल रहे अरविंद अब वैष्णवी को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रईस के घर में लेकिन एक आम आदमी की तरह जी रहा है। वो पैदा हुआ अमेरिका में लेकिन अपनी जड़ों को ढूंढने के लिए इंडिया आ गया। उसके दिल में समाज और उसके आसपास की समस्याओं के प्रति सहानुभूति ही उसके लिए मुसीबत बन गई और उसकी गिरफ्तारी का कारण भी। उनका नाम है अरविंद प्रसाद। सर इस गिरफ्तारी के बाद वो अरविंद बहुत ही पॉपुलर हो गया है। इसी तरह अगर पॉपुलैरिटी बढ़ती रही तो कॉन्टेस्ट भी जीत जाएगा। हमें हारने के बाद भी जीतना आना चाहिए, यही राजनीति है। गलती हो गई यार, सोचा नहीं था ऐसा सब होगा। पता नहीं बस्ती वाले भी बेचारे किस हाल में होंगे। बकवास बंद करो अभी, हम सिर्फ यूथ आइकन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए वहां गए थे। ये सब करने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, हम कोई महात्मा नहीं बनने वाले। सिर्फ तेरी वजह से मैं यूएस की जेल से इंडिया की जेल में आया हूं। ए, इस प्लान में तू भी शामिल था ना, तो सारा दोष मुझ पे क्यों डाल रहा है? एक काम करते हैं, तू बता आगे क्या करना है, वही करेंगे। यूथ आइकन एडवांस में कंग्रेचुलेशंस। वो जो यूथ आइकन कंपटीशन है वो तुम ही जीतने वाले हो। अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली है, कल तक अनाउंस हो जाएगा। कल इवेंट होने के बाद मैं तुम्हें अपने पैसों से बिजनेस क्लास में अमेरिका भिजवाऊंगा। ओह थैंक यू। लेकिन एक महीने के बाद। इस एक महीने में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे इलेक्शन कैंपेन में तुम लोगों को मेरे बारे में अच्छा बोलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, कल यूथ आइकॉन के इवेंट में स्टेज पर तुम्हें कहना होगा कि मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हूं। जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे तभी अमेरिका जाने दूंगा। और ना किया तू? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। सर यूएस में तुम्हारे अरेस्ट की एफआईआर कॉपी, यहां के होटल का बिल ना भर पाने की वजह से तुम लोगों के पासपोर्ट जब्त हो गए हैं। ये सबूत है कि तुम लोगों ने नकली नोट एक्सचेंज करने की कोशिश की। जब ये सब पब्लिक को दिखाऊंगा ना तो वही पब्लिक जो तालियां बजा रही थी चप्पल फेंक के मारेगी। मैं जानता हूं तुम तो मेरी बात मान लोगे लेकिन तुम थोड़े चालू। मानेगा सर, ये भी मानेगा। ए, बादशाह, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सो डील। आइकन कॉन्टेस्ट के विनर को अनाउंस करने के लिए हर साल की तरह स्टेज सज चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं अवार्ड शो का लाइव कवरेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब समय है साक्षी टीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता की घोषणा करने का। और विजेता है मिस्टर अरविंद प्रसाद।
जिसने कभी हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं की, क्यों उसके आगे दिया जला रही हो? इस दिए को जलाने से ही तो उजाला होने वाला है। आधा अवार्ड मेरा है। Congratulations, stage is all yours. अरविंद प्रसाद, यूथ आइकन, ये सुनते ही जोश आ जाता है। अमेरिका का लड़का इंडिया आकर एक आम आदमी की तरह रहने लगता है, एक एक रुपया बचाता है। 83 रुपीज में अपना दिन का खर्चा चलाता है, इसलिए आप लोगों ने मुझे अवार्ड भी दिया। लेकिन मेरे हिसाब से इस अवार्ड का असली हकदार मिस्टर भार्गव। अरे ये पागल है, क्या बोल रहा है, क्या हुआ? पता है क्यों? क्योंकि इस यूथ कॉन्टेस्ट में मैंने उन्हें ही वोट दिया है। ये क्या बोल रहा है? मिस्टर भार्गव दुबई में अपने करोड़ों का कारोबार छोड़कर यहाँ पर आम आदमी की तरह जी रहे हैं, हमारे लिए ये कोई मामूली बात नहीं। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक आइकन है। जब तक भार्गव जैसे नेता रहेंगे, तब तक मुझ जैसे कई लोग यूथ आइकन बनेंगे। अचानक क्या हो गया, मुझे भी नहीं समझ आता। सॉरी भार्गव, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। सॉरी, आप सब सोच रहे होंगे कि अरविंद स्टेज पर क्या बोल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ बोला वो मैंने दिल से बिल्कुल नहीं कहा है, वो सब मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया है, और ये सब बुलवाया है भार्गव ने। ए, ये क्या बकवास कर रहा है, इसे रोको कोई। आप सब लोगों से मैंने एक और बात छुपा के रखी। आप सब सोच रहे हैं कि मैं अपना ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आम जिंदगी जीने आया हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डैड चाहते थे कि मैं सुधरूं, इसलिए सजा देने के लिए मुझे यहाँ इंडिया भेजा। जिस दिन से यहाँ आया हूँ वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पर रुकने की मैंने एक बार भी नहीं सोची। और यही वो सच है जो मैं छुपाता आया हूं। भार्गव को जैसे ही मेरी इस असली सच्चाई का पता चला, तो उसने कहा स्टेज पे जाके उसकी तारीफ करूं और आने वाले इलेक्शन कैंपेन में उसका साथ दूं। ए, कोई कुछ करो, कोई रोको उसे, चैनल में फोन करो, जल्दी करो, रोको उसे जल्दी। उसने लालच दिया कि अगर मैंने वही किया जो वो चाहता है तो वो मुझे अमेरिका भेजेगा, वरना वो आप सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर देगा। मैंने जितने झूठ कहे उससे मैं किसी का भी नुकसान करना नहीं चाहता था, लेकिन जो भार्गव ने कहा अगर मैं वो सब कह देता ना तो वो आप सबके साथ धोखा होता ना। मैं अब और झूठ बोलना चाहता हूं ना धोखा देना चाहता हूं। इस फरेब की जीत से तो बेहतर है मैं हार के अपनों का वफादार बन जाऊं। आप सही थे डैड,
इंडिया भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। मैं ये नहीं जानता कि मैंने कॉलेज से क्या क्या सीखा, पर इंडिया के लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। हजारों डॉलर खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचा, लेकिन इंडिया में मैंने एक रुपया खर्चने से पहले भी हजार बार सोचा। मुझे पैसों की कीमत पता चल गई। पहले अगर खाना अच्छा नहीं लगता या फिर लेट आता था तो मैं उसे उठा के फेंक देता, पर यहां आने के बाद कई रातों को पानी पीकर पेट भरा है मैंने, तब पता चला भूख क्या होती है। कभी एक टी शर्ट मैंने एक बार से ज्यादा नहीं पहनी, लेकिन अब जब एक ही कपड़ा बार बार धोकर पहनता हूं ना तो उसके साथ एक लगाव सा महसूस होने लगता है। चीजों की कीमत समझ में आई। जब मैं अमेरिका में था तब मैं भी एक अमेरिकन की तरह सोचता रहता था कि मैं कैसा दिखता हूं, क्या करता हूं, कैसे खुश रह सकता हूं, क्योंकि दैट्स द अमेरिकन लाइफ। और इंडिया आके मैं किसी का भाई बना, किसी का पोता बना, किसी का जिगरी दोस्त बना, किसी का हमदर्द बना, बहुत सारे नाम मिले मुझे, और मैं उनमें इतना खो गया कि यही भूल गया कि मैं कौन हूं और दूसरों की खुशी के लिए जीने लगा। बिड़ू, तू अपन का दोस्त नहीं है, तू अपन का भाई है। भाई, लव यू मेरे भाई। मैं उनका कोई भी नहीं लगता हूं, फिर भी उन्होंने मुझे अपना समझा। तब मैंने सीखा अगर खुशियां चाहिए तो वो पैसे या सुविधाओं से नहीं, रिश्तों से मिलेगी। ज्यादा पैसों की लालच ने हमें धोखा दिया। जब शौहरत चाहिए था तो हमने धोखा दिया। मैंने स्वार्थी होकर यूथ कॉन्टेस्ट में ज्यादा वोट पाने के लिए बस्ती वालों की हड़ताल का सहारा लिया, लेकिन मेरा सर तब शर्म से झुका जब उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। अपनी नजरों में गिर गया। मैं आप सबके लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप सब लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आप सबका एहसान मंद हूं और आप सबसे झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, उस केमिकल फैक्ट्री की वजह से नेताजी नगर के लोग तकलीफ में हैं, इसलिए नेताजी नगर के निवासियों की तरफ से मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो फैक्ट्री बंद करवा दें। और जाने से पहले एक आखिरी बात। जय हिंद। जय हिंद। देखा, वो बात ये है कि Enough. युवा नेता भार्गव के विवाद की गूंज आज विधानसभा में सुनने मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की और साथ ही साथ सरकार को आम जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है, इसलिए सत्ता पक्ष गहरे दबाव में है। इस अरविंद को तो मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुमने अपने राजनीति जीवन को शुरू होने से पहले ही अंत कर दिया। इतनी अकड़ किस बात की है? अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो बड़ों की बातों पे अमल करना सीखो। जाओ अब। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि मेरी पार्टी में भार्गव जैसा एक बुरा आदमी है। मैं उसे अभी और इसी वक्त पार्टी से निष्कासित करता हूँ। अगर हम पब्लिक को सपोर्ट करेंगे तभी तो पब्लिक भी हमको सपोर्ट करेगी। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि सरकार केमिकल फैक्ट्री को बंद करेगी और मैनेजमेंट पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। तो बच्चों, हाँ, आपके पिता की तनख्वाह 10,000 रूपए, हाँ, हाँ। उसमें से 5% उन्होंने तुम्हें जेब खर्ची दी, तो तुम्हारी जेब खर्ची कितनी हुई? कितना होगा? उससे बहुत कम जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी थी। हाँ।
डैड। मैं चाहता था तुम सुधर जाओ, पर तुम तो सुधर भी गए, संवर भी गए। चलो बेटा, अब वापस चलते हैं। अब वापस जाने का मन नहीं है डैड। अभी मैंने तुम्हें पैसे की कीमत समझने के लिए भेजा था, और वो तुम समझ चुके हो। अब चलो। 2 साल में डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद लौट आऊंगा। तुम्हारी मॉम से क्या कहूं? कहना उनके लिए बहू ढूंढ ली है और उसे साथ लेकर आऊंगा। कौन सी? वो लड़की है क्या? नेहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे मुंह से झूठ पे झूठ निकलता गया। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आज भी वैसा ही शरीफ लड़का हूँ, बिल्कुल भी ठरकी या लफंगा नहीं हूँ, बल्कि पहले से और भी ज्यादा शरीफ बन गया हूँ। पता है मुझे, पर अंकल जैसे दारू पीकर आंटी को मारते पीटते थे ना, वैसे अगर तुम मुझे कभी मारोगे पीटोगे नहीं, तब पूरा विश्वास करूंगी। क्या कहा, आंटी को मारते? अरे मैं तो दारू पीता ही नहीं। डैड वो बात ऐसा कि अब मैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो डैड लड़की के सामने हीरो बनने के लिए डैड को विलन बना दिया। अरे मैं नहाने क्या गया है, यहाँ तो पूरा गांव बस गया। अंकल मुझे इसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, दीजिए। वो क्यों? हर बात में क्या ये क्यों वो क्यों, वैसे भी इसको डिग्री मिलने के बाद यूएस आने वाला है नहीं, तो इसके लिए बनवा लेता हूँ आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, सब में इधर का ही एड्रेस डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो इधर ही सेटल होना चाहता है। अब बकवास बंद करो, एक फोटो खींचो, गायत्री इनकी फोटो देखकर खुश हो जाएगी। जाओ बेटा जाओ। हाँ बस दूसरों की फैमिली के फोटो ही निकालता रहूंगा। अरविंद ने सच बता दिया कि वो यूथ आइकन बनने के लायक नहीं है। क्यों निरंजन, देखा तुमने, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक नंबर का छिला हुआ आलू चिलगोजा है, चिरकुट है, तो माने नहीं। एक अंदर की खबर है, उसने अपनी कॉलेज की लड़की को पटाया है और अब दोनों हाथों में हाथ डालकर मस्त घूम रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ। सेटिंग हो गई, लव स्टोरी चालू। हाँ। देखा तुमने, मैं जानता था कि एक नंबर का 420 है। ये समाज को टोपी पहनाते हैं, लड़कियों को बना के शादी का घूंघट उड़ाते हैं, और हम उन्हें चैनल पर बुलाकर इंटरव्यू लेकर उन्हें सिर पे बैठा देते हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना धक्के मारकर निकाल देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ये कभी नहीं सुधरने वाले। अरे सर अपने को क्या मतलब है, वो लड़की पटाए लड़की घुमाए, वो 420 हो 840 हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आप अपना काम करो ना सर, बाकी दुनिया गई तेल लेने। रिकॉर्डिंग चालू करें सर। एक बात समझ लो निरंजन, तुम्हें थोड़ी सी सोशल नॉलेज। किससे समझा रहा हूँ, इस सोसाइटी को ना कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। देश की हालत ना हमारे शो की टीआरपी जैसी है, कितना भी कुछ कर लो उठती नहीं। शो बढ़ाते हैं, रोल कीजिए सर। ठीक।